No.
changes around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. We'll be right back.
No.
changes around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, no, I'll find you in my dreams. हेलो 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 गाइज, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। तो फिर से अपना सारे जो मैचेस है वो हो चुके स्टार्ट एंड सारे बंदे आ चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया लॉबी में ही, बाकी मैं पहले ही रूम ज्वाइन कर चुका था, बाकी के बंदे बाद में आए। तो या वेट हुआ ख़त्म एंड मैच हुआ स्टार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं मैच की तरफ को। सारे टीम्स आ चुके हैं चैट में, जो भी बंदे हैं हेलो हेलो सबको, वेलकम टू द आवर स्ट्रीम मैनेजर एंड डिलीट, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। एंड चलिए मैच की तरफ को बढ़ते हैं। फिलहाल पहले तो प्लेन पाथ देख लेते। ओके, प्लेन पाथ थोड़ा सा अलग होने वाला है इस बार, बंदों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसी मैच में जो है क्लासेस काफ़ी देखने को मिलेगी। देख ही सकते हो कि कैसे बंदे जो है अलग अलग स्प्लिट हो चुके। पहले ही टीम हमें यहाँ पर नजर आई वो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुके। अगर डी डब्ल्यू की टीम की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं रिवर्स साइड पर आई हुई है फिलहाल तो। एंड टीम अभी भी स्प्लिट है, पहली टीम ही नजर आई है वो भी स्प्लिट है, ये टीम भी स्प्लिट है। दूसरी टीम की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं पीक की तरफ को होने वाले। ऑलरेडी पिकाचू यहाँ पे फाइट ले चुके, फिलहाल एक बंदे को जरूर से स्पॉट कर गया। लेफ्ट साइड में क्या वो ग्लिच है या फिर बंदा दिख, ओके दिख तो रहा है, नहीं ग्लिच है।
आगे चलिए देखते ओके सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, पिकाचू के नॉकआउट निकाला गया काफी अच्छे तरीके से। एक और बंदा होने वाला है, क्या देखने वाली बात होगी। एंड ऑलरेडी उनके टीममेट यहाँ पे आ चुके थे, तो दिक्कत तो नहीं होने वाली थी। आगे वहीं पे अगर बात करी जाए तो ऑलरेडी बहुत ही बंदे किल फीड में रह रहे। फिलहाल ये टीम काफी ज्यादा सेफ है, लेकिन ये टीम भी काफी ज्यादा स्प्लिट है। वहाँ पर टीएचजी की बात करी जाए तो ऑलरेडी अपने दो बंदे खोने के बाद फिलहाल कार्टिलिस्टर की तरफ को रॉकी नजर आ रहे हैं। अद्दू की बात करी जाए तो वो कहने के मिल साइड पे होने वाले। लेफ्ट साइड में एक बंदा जोर से नजर आया है, थॉमसन का स्प्रे शॉट यहाँ पे खड़ा जाएगा कनेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं वॉल नहीं होने के कारण यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इनके पास में क्रोनो तो जरूर से होने वाले, तो थोड़ा बहुत हेल्प होगा। ओके ओके बहुत ही तगड़ा शॉट, नॉकआउट निकाला गया है, इजी करा जाएगा बीएफए स्टोनर को एलिमिनेट। फिलहाल दो बंदे खोते हुए यहाँ पे जोड़ से अद्दू सोलो सर्वाइवर, बाकी वहाँ पे रॉकी भी होने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं बात करी जाए अगर अद्दू की तो वो तो यहाँ पे सोलो सर्वाइवर है ही है। नीचे बीएफए की तरफ से कितने बंदे होने वाले वो देखने वाली बात होगी। वहाँ पे बात करी जाए अगर सोहन के, इनके तरफ से भी एक बंदे हो चुका एलिमिनेट, लेकिन टीम कहीं ना कहीं मार सेलेक्टर की तरफ को होने वाले हैं थोड़ा बहुत स्प्लिट के साथ पोची रॉक पे भी एज वेल। बाकी टी एफ सी ए बी डी ओके इनकी टीम भी यहाँ पे कहने कहीं एलिमिनेशन के कगार पे आ चुके। सोल क्रूज सोनिक एंड टी एफ सी दाबी भी हो चुके एलिमिनेट। फिलहाल सोलो सराय यहाँ पे जरूर से नजर आने वाले। बाकी चलिए देखते हैं और भी टीम्स होने वाला ही है यहाँ पे। फिलहाल तो एफ जेड ओके इनकी टीम भी आ जाई हुई। चलो टी एन एम ओके एनएम क्लच, फिलहाल तो पूरी टीम है, लेकिन ऑलरेडी इनके पास में दो एलिमिनेशन होने वाला है जो कि नारुतो एफएफके है एंड वो हो चुके एलिमिनेट। सो फिलहाल उनको भी रिवाइव करना जरूर हो सकता है। बाकी वहीं पे बात करी जाए यू ट्रैक्स इजी लाइट एक्स ओके टीम, फिलहाल ये टीम तो क्लॉक टावर पे होने वाले, ऑलरेडी काफी अच्छे किल पॉइंट्स, जो किल पॉइंट्स बोल रहे हो मैं, काफी अच्छा लोकेशन पकड़ के बैठ चुके हैं। फिलहाल वहीं पे अगर बात करी जाए ओके टाइम पास बॉय एक बंदे को स्पॉट करेंगे, बहुत ही तगड़ा नॉकआउट निकाला जाएगा। एक और बंदा फिर से ड्रैग शॉट, लेकिन इस बार बॉडी शॉट देके रह जाएंगे एंड कहीं ना कहीं किल कंफर्म भी जरूर से कर जाएगा। वहाँ पे फैबी धन भी मौजूद होने वाले, शॉर्ट रेंज में फाइट लेने वाले हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि पूरी पूरी टीम यहाँ पे इनके आ चुके, टाइम पास बॉय भी है साथ साथ, वहाँ पे इनके बंदे भी होने वाले। फिलहाल थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, जेडी क्रिश ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज ओके बहुत तगड़ा शॉट नॉकआउट निकाला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऑलरेडी इनके बंदे जो है वो यहाँ पे होने के कारण कहीं ना कहीं मिल पाएगी उनको रिवाइव। नीचे की तरफ अभी भी बंदे होने वाले, दूसरी टीम होने वाली बेसिकली, वो भी तो ईएक्सी ओके सोलो सर्वाइवर होने वाले जहर। फिलहाल एक्सो की टीम हो चुकी है एलिमिनेट एंड 12 नंबर पर टीम होने वाले जो कि चिल कर रही है फिलहाल पोचिनॉक की तरफ को एंड कहीं ना कहीं स्प्लिट में है फिलहाल मार सेलेक्टर की तरफ को भी। एक सेकंड चिल्लाता पूरा, चलो जहर ओके हम लोग इनके पास थे। फिलहाल तो नो मर्सी ओके इधर है नो मर्सी, ऐसे तो नाम नहीं पता है बट नो मर्सी, बट स्लॉट देख के बताओ कहाँ पे है वो टीम। फिलहाल चलिए देखते हैं एलिमिनेशन ओके बीएफएस टूर्नर यहाँ पे हो चुके नॉकआउट एंड शायद से ही बचना होगा पॉसिबल। शॉर्ट रेंज में बंदे जरूर से रहने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं वहाँ पे जीवन भी जरूर से फाइट लेते हुए नजर आ सकते हैं। पीछे की तरफ से वहाँ पे धर्म जरूर से देंगे एंट्री एंड शायद से उनको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। नहीं 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 अभी भी बंदे होने वाले, एंडर का शॉट काफी तगड़ा डैमेज दे दिया गया, नॉक निकाला जाएगा एंड साथ ही साथ स्टोनर को दिया जाएगा रिवाइव एंड किल करा जाएगा कन्फर्म। बिल्कुल से बीके हेडशॉट ओके बीके हेडशॉट यहाँ पे होने वाले। फिलहाल तो टीएचजी रॉकी ओके सोलो सर्वाइवर, लास्ट के अद्दू बचे हुए थे वहां पे बीएफए के टीम के तरफ से सारे बंदे को कर दिया गया रिवाइव, उसी बीच में उनको कराया गया एलिमिनेट। बाकी देखने वाली बात ये होगी क्या यहाँ पे अपने रॉकी भाई जो वो सर्वाइव कर पाएंगे एंड अपने टीममेट को रिवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल तो फ्लैश ओके फ्लैश सोहन ओके एक बंदा यहाँ पे स्पॉट हुआ जरूर से, फिलहाल तो M10 के साथ जोर से लड़ने वाले, लेकिन कहने की बात कर जाए तो सोलो सर्वाइवर होने वाले एंड सामने से डबल डबल फुटस्टेप्स एंड फायर आ रही है, तो शायद से सामने दो बंदे होने वाले हैं। सोहन को यहाँ से निकलना ही बेहतर होने वाले। ओके लेफ्ट साइड से ऑलरेडी बंदे आ चुके, ड्रैग शॉट नहीं मिस कर जाएंगे, फिलहाल शॉर्ट रेंज में आ जाएंगे बंदे ओके। प्लाज्मा का शॉट काफी इजीली करा गया बैरल से नॉकआउट एंड साथ ही साथ करा जाएगा एलिमिनेट बाय TNM क्लच। जी बिल्कुल TNM क्लच ओके, वैसे इस टीम ये टीम काफ़ी खतरनाक खेलती है तो ऑब्वियसली वो जो भी थे एलिमिनेट होना ही पड़ता है उनको। बाकी सोलो सर्वाइवर थे वो भी बात है, यहाँ पे पूरे के पूरे टीम होने वाली थी, बस वहाँ पे एफ जेड जो है वो थोड़ा सा अलग खेल रहे थे, बाकी सारे टीम साथ में ही थी। फिलहाल चलिए टीम नंबर वी एन जी ओके ये टीम तो नहीं थी, भूल गया भाई
टाइम पास ये रहा। फिलहाल तो ये टीम अभी भी कहीं ना कहीं काफी अच्छे तरीके से किल फीड में नजर आ रही है, बट क्या ये टीम भूया लेके जा सकती है, आप लोगों को क्या लगता है चैट में जरूर से बताना। मैं चैट देख रहा हूँ यहाँ पे, तो या चैट में बताते रहना कि पहला मैच के विनर तुम लोग को कौन सी टीम लग रही है। भी तो EXE, ओके, जहर, ओ, 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 गलती तो हुई है यहाँ पे। EXE, ओके, स्पॉट कर लेगा, ड्रैग शॉट, शॉर्ट रेंज में बंदे, एम्प्टन का शॉट, इजी करा जाएगा नॉकआउट, साथ ही साथ करा जाएगा EGL फैबिजन के थ्रू एलिमिनेट। बिल्कुल, आगे वहाँ पे TSG की टीम भी थी मेरे ख्याल से। TSG के रॉकी, ओके, रॉकी ने रिवाइव दे दिया, बाकी सत्यम भी यहाँ पे अपने दोनों बंदों को रिवाइव दे ही देंगे, लेकिन कहने की बात करी जाए अगर हीलिंग्स की तो वो शायद से इनके पास में नहीं होने वाला है, दैट्स वाई कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो चुके 50% हेल्थ के साथ यहाँ पे जोर से नजर आने वाले, थोड़ा बहुत लूट जोर से रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करी जाए तो नेक्स्ट जोन भी श्रिंक होता हुआ यहाँ पे जोर से नजर आ रहा है। एंड जैसे कि देखने को मिल रहा है हमें, शायद से पिंग इशू भी यहाँ पे सत्यम को देखने को मिल सकता है सत्यम की तरफ से। अभी चलिए, वैसे तो TSG की टीम में सारे बंदे अद्दू एंड रॉकी दोनों ही हो चुके रिवाइव। फिलहाल बात करी जाए फ्लैश तो ओके, यहाँ पे सोनिक को करा जाएगा एलिमिनेट। एंड फिलहाल टीम जो है वो कहने के स्टार्टिंग से एंडिंग तक अभी तक बंदे जो भी है, मतलब अब तो जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, अभी तक ही बंदे जो है वो अकेले अकेले रह रहे हैं। एंड वहाँ पर बात करी जाए TFC ABD तो वो कहीं ना कहीं सोलो सर्वाइवर होने वाले हैं। ऑलरेडी यहाँ पे रिवाइव चल रहा है केप टाउन की तरफ को, जोन काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने वाला है, तो जल्दी से रिवाइव करके निकल ले तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। वहीं पे बात करी जाए अगर FZ की टीम, तो वो सेंटोसा से नित्तो निकल चुकी थी, लेकिन स्टिल लूट कर रही है टीम। एंड फिलहाल वहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है नारुतो को, बट देखते हैं क्या करने वाले हैं यहाँ पे नारुतो। ओके, MF2B की शॉट सामने से जरूर से आती हुई नजर आ रही है, वॉट अगेन एक और शॉट इन पे लग चुका है। फिलहाल तो यहाँ पे लोकेश, ओके, काफ़ी इजीली उनको करा गया एलिमिनेट। बाकी वहाँ पे बात करी जाए तो कहने गए टीम ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, फिलहाल तो इनको भी स्पॉट कर गया ऑलरेडी 50% हेल्थ पे, बहुत ही तगड़ा डैमेज। एंड जिस हिसाब से इनका पोजिशन है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ग्लू वॉल कभी भी सही से लगा है, तो लेट्स वी ट्राई कि यहाँ पे ये टीम सर्वाइव कर जाए बस। ओके, ग्रेनेड थ्रो कर दी गई है टाइम से पहले, फटते हुए जोर से नजर आने। FZ की बात कर जाए तो वो भी यहाँ पे जोर से रहने वाले, बट आई डोंट थिंक सो कि FZ भी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वॉल लगाना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं क्या ये टीम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, जिसमें से ऑलरेडी इनके दो बंदे हो चुके हेलमेट। लेफ्ट साइड से यहाँ पे डैमेज आएगा TNM क्लच को, वहाँ पे FZ को भी करा जाएगा नॉकआउट एंड ईजी करा जाएगा हेलमेट। एंड फिलहाल सोलो सर्वाइव यहाँ पे क्लच जोर से नजर आने वाले, एफएस का शॉट, बैरल का शॉट, ईजी नॉकआउट निकाल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं FS No1 यहाँ पे MF2 भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चला रहे थे। एंड ऑलरेडी सामने वाले जो टीम थी उनके 3 किल्स इन्हीं के पास आए, कि किल फीड में अभी जस्ट आपने देखा होगा कि जितने भी किल्स हुए हैं बाय क्या बोलते हैं यहाँ पे FZ की टीम के जितने भी किल्स गए हैं वो FS ने ही लिए, बाकी का पता नहीं, क्योंकि पहला नारुतो FF एंड दूसरा तीसरा ओके नहीं मे बी एक किल नहीं गया इनके पास में, नहीं तो क्वाड्रा तो होता ही ईजी। आगे चलिए देखते हैं, एक टीम तो पहले ही हो चुकी है एलिमिनेट। एंड फिलहाल बात करी जाए अगर यहाँ पे TSG अद्दू तो वो फाइट लेते हो जोर से नजर आने वाले, टीम थोड़ी सी स्प्लिट है, लेकिन कहने के फैक्ट्री पे तो फिलहाल ट्रायल्स होने वाली है, बट देखने वाली बात ये होगी क्या ये टीम यहाँ पे किल लिख सकती है। ओके, बहुत ही तगड़ा शॉट, नॉकआउट निकाला गया, एलिमिनेट करा जाएगा एरो पुष्कर को एज वेल काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी बात करी जाए अगर तो यहाँ पे ईगल ईस्पोर्ट्स स्लॉट 9, ओके स्लॉट 9 भाई ये टीम का देखने की जरूरत भी नहीं है, ये टीम को तो ऐसे ही बूझा दे देना चाहिए मेरे ख्याल से, वैसे काफी खतरनाक खेल रही है अभी तक। अच्छा EGL है, मैं इतने दिन से EG समझ रहा था इसको, सॉरी, बट पहले इनका नाम EG था मे बी, अब EGL लगा है लास्ट में। ओके, शॉर्ट रेंज में बंदा है, फिलहाल फैबिधन यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज जोरों से नजर आ रहे हैं, लेकिन कहने के बंदे भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। फिलहाल तो बंदे अपना लोकेशन कुछ ठीक से रिवील कर नहीं रहे, एंड ऑलरेडी फैबिधन को काफ़ी खतरनाक डैमेज आ चुका। फिलहाल तो MF2B के यूज़ करी जाएगी टीम मेट के थ्रू, एंड शायद से यहाँ पे एलिमिनेशन आ सकते हैं, बट टीम वही बात है कि टीम थोड़ा सा सपोर्ट करे, फैबिधन को ऑलरेडी स्पॉट कर लेगा, डैमेज काफ़ी अच्छी खासी दे दी गई है। पीछे की तरफ से भी बंदे अप्रोच करते हुए जोर से नजर आएंगे, एंड कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से VNG की टीम यहाँ पे करती हुई अप्रोच, एंड निकाला गया फैबिधन को नॉक। फिलहाल
वीएनजी की बात करी जाए तो वो कहाँ को होने वाले, फिलहाल देखने वाली बात होगी वीएनजी। ओके वीएनजी जाविस, ओके अकेले आए हुए, इनका चौथा बंदा जो है वो जोन के बाहर है, कहीं ना कहीं फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। एंड फिलहाल ऐश को रिवाइव दिया गया, 4E पिकाचू, ओके शॉर्ट रेंज में बंदा है। फिलहाल टैरागन होने वाले इनके पास में, कैरेक्टर स्किल ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पे चाहिए टीन है, लेकिन कहने की बात वही है टीम कुछ जो है कुछ यहाँ पे बंदे भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रो होते हैं, वो G18 से भी ओनली रेड नंबर मारते हैं, उसे थोड़ा सा बच के रहना होगा। अगर वैसे टाइप के बंदे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, निकल सकते हैं। ओके थॉमसन निकाल लिया गया यहाँ पे वेंडिंग मशीन से, टैरागन का शॉट लेकिन यहाँ पे मिस करते हुए जोर से नजर आएंगे, बहुत ही इजिली करा गया नॉकआउट, साथ ही साथ करा जाएगा एलिमिनेट एज वेल। एंड बाकी बात करी जाए तो यहाँ पे फिलहाल तो डुओ सर्वाइवर जोर से नजर आने वाले वीएनजी की तरफ से, बाकी बीएफए की टीम कहाँ को होने वाली। ओके बीएफए की टीम भी आ चुकी है पोचिनॉक पे, ऑलरेडी जोन जो है वो पूरा पोचिनॉक की तरफ को आ चुका है। फिलहाल वीएनजी की तो हालत खराब है, बाकी मैं भी बात करी जाए एफएस की टीम तो वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा प्लेस पकड़ चुकी है, लेकिन ये प्लेस जोन में नहीं होने वाला, सो इनको जोन के लिए ट्राई करना चाहिए, बाकी जोन में बढ़ना सारी टीम के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। बाकी चलो फिफ्थ नंबर टीम तो यहाँ पे हो चुकी है एलिमिनेट। फिलहाल टीएफसी यहाँ पे टीएफसी एबीडी ओके ऊपर की तरफ को है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक यहाँ पे जो लोकेशन है इनका वो होने वाला है, नीचे बढ़ना नामुमकिन के बराबर। ऑलरेडी दो टीम को यहाँ पे स्पॉट कर लिया एबीडी ने, बट स्टिल वो आगे की तरफ को बढ़ने वाले। ओके बहुत ही क्लोज भाई साहब, 6 हेल्थ यहाँ पे रह जाएंगे। ओके गलती कर बैठे यहाँ पे, एंड इजी करा जाएगा नॉकआउट, एंड सामने होने वाले जो 4 के 4 बंदे, सो नो चांस कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो या उनको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। एंड फिलहाल बात करी जाए 8 नंबर टीम की तो वो भी ऑलरेडी एलिमिनेशन के कगार पे, जॉनी गॉड वहाँ पे हो चुका है एलिमिनेट। एंड फिलहाल नहीं पता हो रहा भाई, जो भी है ईयू ट्रैक्स की टीम की तरफ से 16 सर्वाइवर। ओके सामने एक बंदा स्पॉट हुआ है, फिलहाल तो आरजीएस 50 का शॉट नहीं कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ईजीएल की टीम यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी अच्छे तरीके से खेलती हुई नजर आ रही है फिलहाल तो। एंड एचटीजी निशी एंड फिलहाल स्कॉलर ओके डुओ सर्वाइवर ऑलरेडी काफी अच्छा प्लेस पकड़ बैठे है। एंड फिलहाल एनिमेशन तो इनके पास काफ़ी अच्छे आने वाले हैं अगर जोन आए इनके पास तो। एंड कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड की तरफ को वो ओके शॉर्ट रेंज में भी बंदा आ चुका है फिलहाल तो, जब ड्रोन ने अपना काम कर दिया। एंड साथ ही साथ वहाँ पे स्कॉलर रश करते हुए जोर से नजर आएंगे, जैसे ही पीक दिया है उनको कर दिया जाएगा नॉकआउट। एंड फिलहाल यहाँ पे 16 सर्वाइवर रहने वाले निशी, बाकी देखते क्या करने वाले निशी। फिलहाल तो नीचे की टीम्स हो चुकी है एलिमिनेट, ऊपर की कुछ टीम्स भी हो चुकी है एलिमिनेट, बाकी देखते हैं। मेरे ख्याल से तो ईजीएल इजी बूया है उनके पास में, बट अगर कोई गलती ना करे तो, क्योंकि जब ये टीम कोई भी टीम जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाती है ना तो उनको एंड में प्रॉब्लम होता ही है, जैसे कि देख सकते हो अभी कितना ज़्यादा क्लोज है, लिटरली 16 हेल्थ पे बंदा बचा है जेडी क्रिश। हाँ लेकिन वहाँ पे उनके पास उनके टीममेट होने वाले थे तो कोई नो प्रॉब्लम, आरजेडी भी थे उनके साथ में। फिलहाल तो सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, फैबिधन को नॉकआउट निकाला गया, ऊपर की तरफ ऑलरेडी बंदे होने वाले 14 मीटर, लेकिन मेरे ख्याल से ब्लीड पड़ा हुआ बहुत ही जल्दी जो है नॉक वाला एचपी जा रहा है, बट वॉल की तरफ से रिवाइव दिया जाएगा। एंड कहने के रुकते हुए जोर से नजर आएंगे, फिलहाल वहाँ पे आरजेडी को भी करा गया नॉक, रिवाइव मिल जाएगा। फिलहाल तो जोन जो है वो बिल्कुल भी इनके पास में नहीं होने वाला, सो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है यहाँ पे ईजीएल को लेके, लेकिन मे बी कि ईजीएल जोन में पहुँच पाए। ओके अगेन से स्पॉट करा गया, नॉकआउट निकाला गया, फिलहाल बहुत ही ईजिली कर दिया जाएगा फैविदन को एलिमिनेट। बाकी ट्राई सर्वाइवर्स यहाँ पे जोर से नजर आने वाले, एंड सामने बहुत ही अच्छे अच्छे टीम्स होने वाले। ओके चार बस यहाँ पे चार जोर से करा गया, लेकिन कहने के बंदे वहाँ से निकल चुके। फिलहाल तो क्रोनो का यूज एज वेल काफी अच्छे तरीके से करा था सामने वाले बंदों ने। ओके नाइस शॉट, आरजेडी आया नॉकआउट, एक बंदे को नॉक करा है, क्या किल कंफर्म करने वाले या फिर फाइट लेने वाले। ओके अंदर की तरफ एक और बंदा, थॉमसन का स्प्रे बहुत ही तगड़ा डैमेज आल हो चुका है ऑलरेडी, एंड इजी करा जाएगा नॉकआउट। जेडी क्रिस आखिरी के बंदे यहाँ पे जोर से रहने वाले थे, लेकिन ऑलरेडी इनके टीम मेट पीछे की तरफ से बहुत ही तगड़ा शॉट, एंड भाई साहब थर्ड पार्टी हुआ जा रहा है। लास्ट जोन में यही एक प्रॉब्लम है कि आपकी टीम की काफी ज्यादा थर्ड पार्टी निकल जाते। फिलहाल वहाँ पे मोटा बच्चा है, एंड कहीं ना कहीं स्टोनवर्ड बीएफए की तरफ से जोर से रहने वाला डुओ सर्वाइवर्स। एंड वीएनजी की बात करी जाए, सोलो सर्वाइवर ऑलरेडी 50% हेल्थ के साथ ही आउट कर लिया जाएगा। फिलहाल वहाँ पे बात करी जाए एफएस की टीम के पास अभी काफ़ी अच्छा जो मौका है, क्या ये टीम भूया लेके जा सकती है। सामने होने वाले 3 बंदे, लेकिन तीनों बंदे जो वो कि अलग अलग टीम से होने वाले हैं।
ओके 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 स्टोनर यहाँ पे स्पॉट करा गया, एक बंदे को काफी अच्छा डैमेज दे दिया गया ऑलरेडी, लेकिन कहने का एम्प्टन का शॉट इजी नॉकआउट एंड एफएस की टीम यहाँ पे पहले मैच का भूया लेके जाते हुए जोर से नजर आने वाले। बाकी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, उससे पहले अपन देख लेते हैं किल पॉइंट्स कैसे से होने वाले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। नाइस वन भाई एफएस रिकी, 4 एलिमेंट्स के साथ एफएस नोवन, 5 एलिमेशन, 3 एलिमेंट के साथ त्रिशान एंड ब्लैक बॉट। ओके 3 एलिमेशन वीएनजी की टीम सेकंड नंबर पर होने वाले, 3 एलिमेंट के साथ एंड वीएनजी जावेस पिकाचू, 5 एलिमेशन, 0 एलिमेशन प्रतीक एंड एश, 3 एलिमेंट के साथ एज वेल। डीडब्ल्यू की टीम थर्ड नंबर पर होने वाले धर्म, अबे 3 एलिमेशन एंड जीवन 1 एलिमेशन, मोटा बच्चा 5 एलिमेशन एंड साथ साथ स्टोनर 5 एलिमेशन के साथ। बाय किल पॉइंट्स आप लोग पॉज करके देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ को। बाय द वे गाइस 6 मैचेस होने वाला है, सो अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं करा स्ट्रीम को तो लाइक वाले बटन को जरूर से प्रेस कर देना, साथ साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो कि ई स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ को। थोड़े से बंदे कम हुए बट हाँ जल्दी ही आ जाएंगे, कि जो टीम अर्ली फाइट में एलिमिनेट हो जाती है वो थोड़ी ना वेट करेगी कि भाई जब रूम भरेगा, मतलब जब नेक्स्ट मैच स्टार्ट होगा तब तक हम लोग देखते रहेंगे। भाई मैं भी खेल चुका हूँ ये तो मैं समझता हूँ, काफ़ी बंदे होते हैं कि भाई नहीं हम तो पूरा मैच देखेंगे, बट कुछ बंदे होते हैं कि नहीं भाई वैसे ही ठीक है तो जाएंगे ट्रेनिंग खेल के आएंगे, क्या हम यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे चलो गाइस सेकंड मैच हो चुका स्टार्ट एंड हाँ कुछ हेल्प करो यार, चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब वगैरह मारो, शेयर वगैरह मारो, क्या करो। ओके गाइस चलो मैच हो चुका स्टार्ट, फिलहाल मैच पे ध्यान देते। ओके चलिए प्लेन पाथ तो काफ़ी अच्छा होने वाला, सब बंदे अपने इजीली ड्रॉप लोकेशन पे जा सकते हैं। क्रॉस रोड एंड मार्बल वॉक से सीधा यहाँ पे स्टार्ट होते हुए नज़र आने वाला, एंड होने वाला फोर्ज की तरफ को, एंड कहने के ब्लू जोन की बात करी जाए तो वो भी फोर्ज पे ही होने वाला है, क्लासेस की ज़्यादा चांसेस फोर्ज पे ही लग रहे हैं। बाकी चलिए कौन सी टीम कहाँ को जाने वाली छोटे से देखने वाली बात होगी। फिलहाल डीडब्ल्यू की टीम की बात करी जाए तो वो स्टिल इन द प्लेन, फिलहाल एक दो बंदे उतर भी चुके हैं, मे बी कैंप साइड की तरफ को या फिर फोर्ज पे हो सकते हैं क्योंकि फोर्ज ब्लू जोन है, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बंदे जाने वाले वहाँ पे। अगर वी एन जी की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं फील्ड्स की तरफ को होने वाले, काफ़ी अच्छा सा प्लेस है इनके लिए तो, एंड वहीं पे एफ एस रिकी तो इनकी टीम आ चुकी है क्वेडी पे, थोड़ा सा स्प्लिट है टीम, फोर्ज पे जा रही है बाकी के तीन बंदे, सो फिलहाल देखते हैं क्या होने वाला। टी एच जी की टीम की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं वो भी स्प्लिट में होने वाली है, एंड ब्राजीलिया कैंप साइट एंड थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे आ चुके आइलैंड पे, सेंट्रल वाला आइलैंड पे, गल्फ कोर्स जो भी बोल लो। बाकी फ्लैश की टीम में ओके बहुत ही तगड़ा शॉट, एक बंदे को खड़ा गया एलिमिनेट, फिलहाल बहुत ही इजीली यहाँ पे एक एलिमिनेशन जोर से, पहला एलिमिनेशन हमें देखने को मिल गया। फिलहाल वहाँ पर बात करी जाए ट्राइव सर्वाइवर जोर से रहने वाले, जिनमें से ट्राइव सर्वाइवर्स ऑलरेडी क्लैश में ही है, मतलब स्प्लिट में ही है। फिलहाल वहाँ पर बात करी जाए सोनिक तो वो भी जरूर से रहने वाले, सोनिक ओके क्वेडी की तरफ को सोनिक एंड बाकी की टीम जो है वो स्प्लिट में जरूर से रहने वाले, लेकिन मार्बल वॉक्स पे काफ़ी अच्छी तरीके से। बाकी एफजेड की टीम की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फायर ब्रिगेड की तरफ को अप्रोच करते हुए जरूर से नजर आने वाली है। ईयू की टीम की बात करी जाए तो वो सेंट्रल पे होने वाले, ऑलरेडी एलिमिनेशन के कगार पे। फिलहाल तो लाइटेक्स एंड कहीं ना कहीं जॉनी गॉड डुओ सर्वाइवर्स, बाकी चलिए देखते हैं क्या होने वाला है इस टीम की, क्या ये टीम सरवाइव करने वाली है। मनीष ओके मनीष भाई वेलकम टू द आवर स्ट्रीम। अब भाई आज सिद्धार्थ भैया नहीं आए, नहीं मे भी नहीं आए, लास्ट मैच में आ सकते। वैसे तो दो तीन टीम की यहाँ पे क्लासेस होने है, फिलहाल तो यहाँ पे सोलो सराय नजर आ रहे थे जॉनी गॉड, वो उनको भी एलिमिनेट करा जाएगा फिलहाल तो काफ़ी इजीली, एंड यप ब्रोकन देव की तरफ से वो जाएगा एलिमिनेशन। फिलहाल वहाँ पे बात करी जाए ईजीएल की तो वो कहने के काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सर्वाइव करने वाले, थोड़ा बहुत टीम स्प्लिट है, लेकिन जो कोई टीम कुछ टीम्स होती है जिसको स्प्लिट से मतलब ही नहीं होता, मतलब स्प्लिट है या नहीं है वो टीम खेलेगी, अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी, अपना बेस्ट देगी, तो कुछ ऐसी टीम है लेकिन कुछ सारी टीम वैसे ही नहीं है, सो थोड़ा बहुत जो टीम है
क्लासेस ना ले, जब आपका प्लेन पाथ आपके ड्रॉप लोकेशन से जा रहा है तो आप क्यों नहीं अपने ड्रॉप लोकेशन पे जा रहे हो, वो दिक्कत होती है। कई कई बार बंदों को देखा है मैंने, अपना ड्रॉप लोकेशन छोड़ के दूसरे के ड्रॉप लोकेशन पे जाते क्लास लेते, वो टीम हो जाती है एलिमिनेट। बट हाँ, कई बार सर्वाइव भी कर जाती है, क्योंकि कुछ टीम्स है, मैंने बोला कि कुछ टीम्स है जो जिसको स्प्लिट से मतलब नहीं होता, वही कुछ टीम्स। ओके फिलहाल तो शॉर्ट रेंज में यहाँ फंस चुके हैं 120। ओके शॉर्ट रेंज में बंदा अप्रोच करता है, वो जोर से नजर आ रहा है फुट्स। ओके दो बंदे जोर से रहने वाले, टैराकन का शॉट। ओके एक बंदे को नॉक कर दिया गया, दूसरे बंदे को स्पॉट, लेकिन कहने के तीन बंदे होने वाले थे, दो बंदा भी नहीं तीन बंदा होने वाला था, बहुत ही ईजिली करा गया है उनको एलिमिनेट। एंड फिलहाल बी एन एम फ्लेक्स एंड मनु तीनों ही बंदे कहने के काफी ज्यादा स्प्लिट में, बाकी दो बंदे तो साथ में रहने वाले फ्लेक्स एंड मनु, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी बात है इनके लिए। बाकी वहीं पे जो मन्नू की बात करी जाए तो वो स्प्लिट में रहने वाला है, मे बी इनको भी स्पॉट करके एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई मान के चलो कोई भी टीम क्लैश में या फिर जो फाइट लेती है एंड उनका बंदा अगर एलिमिनेट हो जाता है तो वो किधर को जाता है पहला, अगर आपका मान के चलो आप टीम एज अ टीम खेल रहे हो यहाँ पे एंड आपका तीन के तीन बंदे हो जाते हैं एलिमिनेट, तो आप किधर को जाओगे? ऑब्वियसली ब्लू जोन बोल रहे हो, ऑब्वियसली आप लोग वेंडिंग मशीन की तरफ हो जाओगे, क्योंकि आपके अपने टीम को पहले रिवाइव करना फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही है ना। ओके ओके ओ नहीं 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 ये नहीं होना था, लेकिन कहने के एक बंदे को नॉक निकाला था, काफ़ी अच्छा था यहाँ पे परफॉर्मेंस आ रहा था इनका, लेकिन धीरे धीरे परफॉर्मेंस डाउन हो गया। फिलहाल वहाँ पे बात कर जाए मन्नू, तो वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ से कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा शॉट्स कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन इनको भी करा जाएगा स्पॉट, काफ़ी तगड़ा डैमेज दे दिया गया ऑलरेडी एंड कहीं ना कहीं सामने की तरफ से भी फायर आ रही है, तो नो चांस कि मन्नू भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। एंड आज से सामने वाले टीम के पास में एम ए टू बी भी होने वाले, क्योंकि वहाँ पे डबल वॉल लगाई गई थी इनकी तरफ से। ओके ओके क्लोज थे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को बचा लेंगे जैसे तैसे, बट देखते हैं क्या करने वाले यहाँ पे फिलहाल मन्नू। ओके फिलहाल तो दोनों ही बंदे मतलब वहां पे फ्लेक्स ने तो रिवाइव कर ही दिया है, सारे बंदे निकल चुके हैं वैसे तो, VNM फ्लेक्स भी निकल ही रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा अगर वो है ना कि थोड़ा सा पीछे से निकल ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्पॉट कर ले तो प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी टीम भी वहाँ पे वापस जाने वाली है फिलहाल तो अगेन से फाइट लेने के लिए। आगे चलो एक और बंदे को फिर से करा गया नॉक अगेन से मन्नू एंड बीस्ट भी हो चुके हैं वहाँ पे एलिमिनेट। एंड फिलहाल डुओ सर्वाइवर्स अगेन से, जो कि पिछले बार डुओज रह गए थे वही डुओज अगेन से। फिलहाल तो ये टीम काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर ही जाएगी मेरे ख्याल से, अगर पीछे से निकल ले तो काफ़ी इजी ये। ओके 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 बंदे शॉर्ट रेंज में आ चुके, फिलहाल फ्लेक्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अभी जिप लाइन का जस्ट साउंड आया मेरे को, बट क्या फ्लेक्स को यहाँ पे साउंड आया? मैंने तो सुना है लिटिल ओके रिवाइवल यहाँ पे चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, कहने का ये बंदे ट्राई कर रहे हैं कि अकेले से अपने बंदों को रिवाइव करा जाए। बाकी ये डुओस स्टार्टिंग मतलब पहला बार जो फाइट हुआ सामने वाली टीम से उसमें भी ये डुओस सर्वाइव कर गए एंड इस वाले फाइट में भी ये डुओस सर्वाइव कर जाएगी। बाकी चलिए बढ़ते दूसरी टीम की तरफ को, एक टीम पे यहाँ पे कहने का प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बंदों को थोड़ा सा ऑब्सेशन हो जाता है कि भाई एक ही टीम को लेके क्या कर रहे हो। एक सेकेंड गाइस, ओके
बाकी चलो गाइस, फिलहाल तो यहाँ पे भी फाइट हो रही थी लेकिन उनको एलिमिनेट कर देगा फिलहाल तो। ट्राई ऑफ सर्वाइवर्स यहाँ पे एफएस की तरफ से जोर से नजर आने वाले, बट चलिए दूसरी टीम भी होने वाले। फिलहाल वीएनजी की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं फाइट लेने के लिए आ चुके। शॉर्ट रेंज में बंदा टैरागन का स्प्रे काफी ईजी यहाँ पे किल आ सकता है, लेकिन बंदे वहाँ पे जरूर से थोड़ा सा मैस करते हुए जोर से नजर आए। ओके ब्लैक बॉट यहाँ पे करते हुए एलिमिनेट, ब्लैक बॉट को कर दिया जाएगा एलिमिनेट, साथ ही साथ करा जाएगा एलिमिनेट एज वेल। बाकी कहीं ना कहीं बात कर जाए तो उनके ऐश भी हो चुके एलिमिनेट नॉकआउट। फिलहाल टीम यहाँ पे होने वाली जरूरत है, रिवाइव मिल जाएगा इन साथ ही साथ वहाँ पे किल भी बटोर लेंगे। व्हीकल का साउंड तो आ रहा है लेकिन टीममेट व्हीकल में होने वाले फिलहाल, तो देखते क्या करने वाले यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं सामने की तरफ को क्रॉस रोड पे बंदा नजर तो आया था, बट क्या ये टीम उनसे भी फाइट लेने वाले या फिर निकलने वाले, क्योंकि ऐश वहाँ पे नॉकआउट हो गए थे। जाविस अकेले जो है वो काफी ज्यादा दूर होने वाला है टीम से, मोथ हाउस की तरफ को होने वाले। ओके एक एक बंदे को स्पॉट करा गया, ट्रैक शॉट यहाँ पे जोर से कनेक्ट करा गया। फिलहाल तो व्हीकल पे डैमेज, ओके व्हीकल पे तो डैमेज आई है, लेकिन कहीं ना कहीं RGS 50 का ट्रेंड हो चुका है ऐसा। मतलब पहले था कि आप दो शॉर्ट रेंज रख लो, एक लॉन्ग रेंज रख लो ऐसा कुछ, लेकिन अभी नहीं है, अभी RGS 50 का जमाना है भाई। क्या ही तो बंदे खेल रहे हैं RGS 50 के शॉट्स जो है, नाइस। आगे चलो गाइज, DW की टीम की बात करी जाए तो वो भी काफ़ी अच्छे एलिमिनेशन के साथ यहाँ पे जरूर से रहने वाले फिलहाल तो वहाँ पे शॉर्ट। ओके सोल क्रू यहाँ पे फाइट जरूर से ले रहे हैं शॉर्ट रेंज में। ओके बंदा यहाँ पे ग्रेनेड गलती से पीछे की तरफ को जा चुका, थोड़ा सा डैमेज आया है बट खुद को ही आ गया। ओके बैरल का शॉट इजी नॉकआउट भाई साहब, बैरल तो नहीं लेकिन सामने वाले बंदे लेके आए थे पूरे कॉन्फिडेंस में बैरल, लेकिन उनको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। एंड फिलहाल एक और बंदा वहां पे जरूर से रहने वाला है, बट देखने वाली बात ये होगी कि सोनिक वहां पे फाइट ले रहा है, एंड अगर सोनिक यहां पे नॉक हो जाता है तो सोल क्रूज ऑलमोस्ट टूट ही चुके हैं, तो देखते। ओके सोल क्रूज यहां पे काफी ज्यादा जल्दी तो आ चुके हैं, लेकिन कहने के M10 के कुछ ज्यादा ही फायर। ओके M10 का शॉट इजी करा जाएगा, इजी लाइट एक्स को एलिमिनेट, एंड साथ ही साथ पूरी पूरी टीम होती हुई यहाँ पे एलिमिनेट एज वेल। बाकी चलिए देखते हैं कौन कौन सी टीम यहाँ पे अभी भी फाइट के बीच में रह रही है। FZ की टीम की बात करी जाए तो वो ऑलरेडी एलिमिनेशन के कगार पर, फिलहाल TNM क्लच को कराया गया रिवाइव। एंड कहीं ना कहीं वहाँ पे बात करी जाए अगर FZ की तो वो जोन के बाहर होने वाला है, एंड जोन बहुत ही ज्यादा दूर होने वाला है गल्फ कोर्स, एंड कहाँ भाई साहब ब्राजील या मार्वल वर्क्स तो कम से कम जाना होगा अगर गल्फ कोर्स से जा रहे तो। ओके यहाँ पे गल्फ कोर्स तो नहीं लेकिन जिप लाइन लेके जो है वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ को होने वाले फिलहाल तो। जोन के अंदर ही है बेसिकली, मतलब जोन के बाहर ही है, तो यहाँ से भी अगर टोकन्स है तो यहाँ से रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन भी है। ओके जल्दी से निकलना होगा, TNM क्लच वहाँ पे ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं, एंड व्हीकल यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मे बी मेरे को जहाँ तक याद था सामने वाली जो ब्रिज है वहाँ पे एक व्हीकल तो होता ही था यहाँ इधर कहीं पे, यहाँ पे ये घर जैसा है। ओके सामने ऑलरेडी फाइट स्टार्ट हो चुके फिलहाल व्हीकल, जब से बंदों को पता चला है कि जोन, मतलब जब से ये अपडेट आया है तो व्हीकल को लेके साथ में चलते, EGL को दिखाना ज्यादा। अरे भाई चलो फिलहाल तो FZ नो चांस कि ये सर्वाइव कर सकते हैं, बट जोन भी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक होता हुआ जोर से नजर आने वाला है। अब तो जोन लिटरल बहुत ही छोटा हो चुका, सो बहुत प्रॉब्लम होने वाले फिलहाल। बात करिए EGL तो वो कहीं ना कहीं जोन पकड़ के बैठ चुके ऑलरेडी, एंड कहीं ना कहीं दो एलिमिनेशन के साथ ये टीम काफी अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हुए शॉर्ट रेंज में यहाँ पे बंदे जोर से अप्रोच कर जाएंगे। फैबीधन वहाँ पे शॉर्ट रेंज में जोर से फाइट लेते हुए नजर आएंगे, बैरल वर्सेस बैरल, क्या यहाँ पे फैबीधन क्लच निकाल सकते। ओके 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 शॉर्ट रेंज में बंदा, ओ नाइस शॉट बाय फैबीधन, एक और किल यहाँ पे अपने खाता में जरूर से लेके जाने वाली है EGL। ओके बैरल का शॉट इजी एलिमिनेशन, लेकिन कहने के हीलिंग यहाँ पे जरूर से रहने वाली है फिलहाल। बात कही जाए तो जोन भी श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है, एंड आधी टीम जो है वो जोन के बाहर ही रहने वाले, बाकी के कुछ बंदे हैं जो कि जोन के अंदर है फिलहाल। भाई JD क्रश, ओके 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 फिलहाल तो FZ भी हो चुके हैं यहाँ पे एलिमिनेट, ऊपर के कुछ टीम्स। ओके शॉर्ट रेंज में बंदा जरूर से स्पॉट हो चुका है, अंदर का शॉट इजी नॉकआउट, एंड साथ ही साथ उनको करा जाएगा एलिमिनेट। अगर एक और बंदा है टाइम पास बॉय को, ओके BFS स्टोन और यहाँ पे होते हुए एलिमिनेट, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम पास बॉय को कर जाएगा एलिमिनेट भाई। पीछे तो कोई है, कोई सी टीम तो है, एंड ओके
ओके बहुत ही तगड़ा डैमेज 24 हेल्थ के साथ यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। जेडी क्रिश बैंक की बात करी जाए, सामने कौन सी टीम होने वाले वो भी देखने वाली बात होगी। टीएचजी की ट्राय सर्वाइवर्स वो काफी ज्यादा चिल कर रहे हैं नीचे की तरफ को, लेकिन फाइट इनके साथ भी चल रहे हैं। फ्लैश की टीम की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं फाइट ले बैठे फिलहाल अपने ईजीएल के साथ में। फिलहाल चार बंदे 4-3 सिचुएशन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी क्रिएट। फिलहाल एक और बंदे को नॉकआउट निकाला गया वहाँ पे, बट देखते हैं क्या वो टीम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी। ओके फैबिधन सोलो नहीं डुओ, बेसिकली जेडी क्रिक भी वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं लॉन्च पैड लगा के निकल सकते हैं, बट थोड़ी सी लूट भी यहाँ पे जरूरी रहने वाली है। एंड ओके फैबिधन यहाँ पे हो चुके नॉक, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे, पूरी कोशिश रहने वाली थी यहाँ से निकलने की, लेकिन कहीं ना कहीं बंदे वहाँ पे इतना खतरनाक डैमेज दे रहे थे, नो चांस कि वो सर्वाइव कर सकते थे। एंड फिलहाल यहाँ पे एक लॉन्च पैड जोर से निकल लेंगे जल्दी से, वही इनके लिए अच्छी बात होने वाली। ओके नाइस निकल चुके, लेकिन वही बात है फिर ओपन में आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ओपन के साथ साथ ही यहाँ पे परमानेंट कवर भी होने वाला। सो जल्दी से अगर परमानेंट कवर पकड़ ले तो शायद से बात बन सकती है, बाकी नीचे की तरफ को भी टीम होने वाली। फिलहाल कुछ ही टीम से यहाँ पे सर्वाइव कर चुके हैं, वीएनजी की टीम की तरफ से डुओ सर्वाइव यहाँ पे जोर से नजर आने वाले। ओके एक बंदे को स्पॉट करेगा, नॉकआउट निकाला जाएगा काफी आसानी से, साथ ही साथ वहाँ पे एश सोलो सर्वाइवर उनको भी करा जाएगा एलिमिनेट। सोहम जिस हिसाब से खेल रहे भाई साहब, आई डोंट थिंक कि इस टीम से बुआ ले जाना मुश्किल है, लेकिन सामने एक और टीम होने वाली है जो कि टीएचजी के ट्रायल्स होने वाले हैं। बाकी टीएचजी के ट्रायल्स ओके एक बंदे को स्पॉट कर लिया गया वहाँ पे जो कि अपने जेडी क्रिश होने वाले। तो क्या यहाँ पे जेडी क्रिश सोलो सर्वाइवर सामने होने वाले 7 बंदे, क्या ये उनको एलिमिनेट कर पाएंगे? बाकी देखते हैं क्या उन दोनों टीम में पहले ही हो जाए फाइट एंड जेडी क्रिश को यहाँ पे मिल जाए मौका थर्ड पार्टी निकालने का। एंड इसी बीच से शायद बुआ भी निकाल सकते हैं, बट देखते हैं क्या करने वाली ये टीम। एंड फिलहाल तो सोलो सर्वाइवर है, नो चांस कि ये टीम बुआ लेके जाने वाली है, बट हु नोज कि कभी भी मैच पलट सकता है। सबको पता है कि मैच का कोई ठीक नहीं है टीम्स जिस हिसाब से खेल रहे हैं अभी तक। मेरे को जहाँ तक लग रहा है टीएचजी के पास इजी बुआ है अगर वो जोन होल्ड करके बैठ पाए तो। बाकी अद्दू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, अगर एक बार कोई बंदा डैमेज हो गया ना तो वो टीम का मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांसेस है कि वो टीम एलिमिनेट ही हो जाएगी। अगर आपका एक बंदा एलिमिनेट हुआ मतलब नॉक हुआ तो आप उसको रिवाइव करोगे, फिर सामने वाली टीम वो सोच लेती है कि सामने वाले का एक बंदा हो गया नॉक एंड हम रश मार देंगे उन पे जीत ही जाएंगे। सो वही होता है। आगे चलिए देखते हैं, फिलहाल ये टीम भी आ चुकी है। ओके पुष्कर को यहाँ पे स्पॉट कर लेगा, डैमेज काफ़ी अच्छी आ चुकी है। फिलहाल तो मेरा पिंग थोड़ा सा हाई हो रहा है उसके लिए सॉरी, बट स्ट्रीम में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ब्लू स्टेक का प्रॉब्लम है ये हमेशा से स्टार्टिंग से ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। बाकी बात करी जाए तो फिलहाल 3-2 सिचुएशन। ओके जेडी क्रिश वहाँ पे जोन में तो नहीं बढ़ रहे बट एक किल तो लेके जाने वाले। ओके नहीं नो चांस एंड टीएचजी की टीम यहाँ पे लेके जाती हुई सेकंड मैच के बुआ एज वेल। जैसे कि बोला था टीएचजी के पास काफ़ी अच्छा चांस है बुआ लेके जाने के, एंड फिलहाल वो लेके जा चुके हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं किल पॉइंट्स की तरफ को। ओके टीएचजी रॉ की 5 एलिमेशन 7 रिमाइंड, 1 एलिमेशन एंड 1 एलिमेशन अद्दू के पास भी होने वाले। बाकी बात करी जाए तो सेकेंड नंबर पर टीम होने वाले ईजीएल ईगल ई स्पोर्ट्स। ओके फिलहाल बात करी जाए तो 2 एलिमेशन 7 आरजेडी अयान एंड टाइम पास बॉय 0 एलिमेशन इस बार रह जाएंगे, लेकिन पिछले मैच में काफी अच्छे एलिमेशन थे। भाई छींक दिया यार। जेडी क्रिश 3 एलिमेशन, फैबिधन 1 एलिमेशन एज वेल एंड फ्लैश बीआईपी 1 एलिमेशन, सोनिक बीआईपी 2 एलिमेशन, 3 एलिमेशन साथ यहाँ पे एरो पुष्कर सोहन 77 3 एलिमेशन साथ। भाई गिल पॉइंट्स आप लोग पॉज करके देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ को। चलो गाइज थर्ड मैच अपना आ चुका है, फिलहाल स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऑलरेडी 48 बंदे रूम पूरा तैयार है, बस होस्ट की देरी है, होस्ट आके अपना स्टार्ट कर दे। एंड बाय द वे फाइनल है तो थोड़ा सा चाहिए रहेगा, तो सपोर्ट दिखाओ यार। बाकी कल वाला स्ट्रीम जिस बंदों ने भी नहीं देखा जाके देख लेना, वो कल वाला मैच भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, मजा ही आ गया कल वाले मैच में। तो जो जिसने भी पूरा स्ट्रीम देखा वो तो समझ ही जाएगा, जिसने नहीं देखा जाके देख लेना जरूर से। बाकी चलिए गाइस बढ़ते हैं लास्ट थर्ड मैच की तरफ को। फिलहाल 6 मैचेस इस मैच में भी होने वाले, इस लॉबी में भी होने वाले 6 मैचेस, मतलब 6 मैच को एक लॉबी बोलते हैं ऐसा कुछ। तो हाँ जाके
पुराना वाला स्ट्रीम भी देख लेना, कल वाला स्ट्रीम और आज वाला भी देख लो, पहले ये देख लो फिर इसके बाद वो वाले स्ट्रीम पे चले जाना। अगे चलो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ को। काफी अच्छा सा मैच यहाँ पे हो चुका अपना स्टार्ट एंड फिलहाल देख लेते कहाँ पे बंदे जाने वाले। फिलहाल चलिए गाइस प्लेन पाथ देख लेते, प्लेन पाथ की बात करी जाए तो काफी अच्छा सा होने वाला है, मिडिल ऑफ द मैप कह सकते हो एंड फिलहाल सारे बंदे अपने ड्रॉप लोकेशन पे जा सकते हैं। सबसे सीधा यहाँ पे ओल्ड हैम्पटन की तरफ को जाने वाला है, ब्लू जोन की बात करी जाए तो वो भी ओल्ड हैम्पटन पे होने वाला है। फिलहाल क्लैशेस देखते हैं कहाँ को होने वाले। पहले टीम की बात करी जाए तो वो आ चुके हैं फिलहाल कमांड पोस्ट एंड सेंटा कैटरीना की तरफ को थोड़ा बहुत स्प्लिट के साथ, बेसिकली सेंटा कैटरीना ही कह लो क्योंकि ज़्यादातर बंदे उनके सेंटा कैटरीना पे आए हुए हैं। फिलहाल वहाँ पे बात करी जाए बीएनजी की टीम तो वो बे फ्रंट पे होने वाले, थोड़ा बहुत टीम ऑलरेडी यहाँ पे स्प्लिट हो चुके हैं। क्लासेस अभी तक तो नहीं देखने को मिला बट देखते फैसिलिटी ओके इनकी टीम आ चुकी है ओल्ड हैम्पटन। फिलहाल क्लासेस तो यहीं पर होनी थी क्योंकि ब्लू जोन ज़्यादातर बदनाम है, ब्लू जोन जो बदनाम है किस कारण से तो क्लासेस के लेके। अगर यूएनसी हाइड्रा ओके यहाँ पे किल फील्ड में जोड़ों से रह रहे वहाँ पे बात करी जाए पिछले मैच के विनर्स यहाँ पे इस बार चार बंदों के साथ आए, क्या ये टीम अगेन से भूया ले जाने लायक है या फिर नहीं। पिछले बार अगर ट्रायल सर्वाइव ओके ओके क्लास ऑलरेडी वहाँ पे अद्दू को नॉकआउट निकाला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे रिमाइंड एक्स नीचे गिर चुके हैं ओके ओके थोड़ा सा डैमेज भी हो चुका ऑलरेडी इनको, लेकिन कहीं ना कहीं काफी इजीली यहाँ पे टीम सर्वाइव कर जाएगी। फिलहाल एक बंदा यहाँ पे जोर से रहने वाला है अद्दू के पास में, टीएचजी रॉकी वो यहाँ पे श्राइन्स पे जोर से रहने वाले, वहाँ पे ईशान को भी कर जाएगा नॉक एंड फिलहाल डुओ सर्वाइवर स्टार्टिंग क्लैश में ही डुओ यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। फिलहाल काफी जल्दी ये टीम जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहने का रिमाइंड है इतने जल्दी आसानी से जाने नहीं देंगे। फिलहाल तो एक बंदे को और को स्पॉट कर गया, डैमेज काफी अच्छी दे दी गई, रश मारने का परफेक्ट चांस रहने वाले इनके पास में बट वहाँ पे पीछे की तरफ को थोड़े से बंदे होने वाले ओके वुकोंग का यूज करके कहने के सारे ही बंदे यहाँ उनको कंफ्यूज कर रहे ओके एक और बंदा यहाँ पे बहुत ही तगड़ा डैमेज इनको भी नॉक निकाल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दो बंदे होने वाले थे नो चांस कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते थे। सो या वो इजिली वहाँ पे कर जाएंगे सर्वाइव एंड कर देंगे रिमाइंड एक्स को एलिमिनेट। सर स्लॉट 12 भी दिखा दियो दिया करो स्लॉट 12, अरे यार भूल जाते हो भाई ऊपर ऊपर रहता ना तो वो नहीं होता। बाकी जहाँ पे मैं स्ट्रीम करता हूँ ज़्यादातर उसमें 10 ही टीम्स आती है तो टॉप 10 टीम्स ही देखता हूँ सॉरी उसके लिए। बाकी चलो गाइस देख लेते एक बार ये नाइंसाफी हो जाती है यार, गाली भी पड़ जाता है कितना बार तो मेरे को स्ट्रीम पे गाली पड़ी हुई। अबे नहीं बोल सकता भाई, फैमिली फ्रेंडली चैनल होगा। फिलहाल एफजेड की टीम की बात की जाए तो वो कहने के काफ़ी अच्छे तरीके से फिलहाल सेंटा कैटरीना एंड स्टोन रिक्स की तरफ को जोर से होने वाले एंड यू ट्रैक्स ओके इनकी टीम भी यहाँ पे जोर से रहने वाले। फिलहाल थोड़ा बहुत स्प्लिट के साथ मेज पे एंड ईजीएल की बात करी जाए तो वो कहने के फाइट के बीच में रह रहे बे फ्रंट की तरफ को। फिलहाल वो भी तो सोलो सर्वाइवर एंड कहने के मेमत की तरफ को जोर से जाते हुए नजर आ सकते हैं बट मेमत पे ऑलरेडी बंदे हैं। 120 की टीम की बात करी जाए तो वो कहने के काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फाइट लेते हुए जोर से नजर आने वाले मेमत पे, थोड़ा बहुत स्प्लिट के साथ मेमत एंड कहने गए मेमत से थोड़ा आगे पीछे। यूएनसी की टीम की बात करी जाए तो वो कहने गए कमांड पोस्ट की तरफ को होने वाले, सीधा सीधा ये टीम जो है वो कमांड पोस्ट की तरफ को जोर से अप्रोच करते हुए नजर आ रही है। आई हो गया डोंट स्पैम नहीं तो नाइट बॉट बैन कर देगा, बैन नहीं टाइम आउट दे देगा तो हाँ स्पैम मत करो, मैं दिखा दूंगा स्ट्रीम डिले है उसके लिए तुम लोग मैनेजर से बात कर सकते हो कि क्यों डीले रखा है ऐसा वैसा। टीम चिल कर रही है वैसे तो अभी, लेकिन दो की एलिमिनेशन है वो हमने भूल गए। 120 ओके वो भी तो ईएक्सी वहाँ पे गए थे मेमर की तरफ को हो चुके हैं एलिमिनेट एंड फिलहाल वहाँ पर बात कर जाए ईजीएल की तो वो कहने के टाइम पास बॉय अभी जस्ट हुए थे एलिमिनेट, रिवाइव मिल जाएगा एंड थर्ड मैच जो है वो कालाहारी में होता है तो कालाहारी मेरा कुछ ज़्यादा ही लैग होता है तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा तुम लोग को। भाई चलो देखते हैं जेडी क्रिश ओके ये टीम तो चिल कर रही है आओ
ओके बंदे ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके, फिलहाल लेफ्ट साइड की तरफ के बंदे जरूर से मौजूद है, बट देखने वाली बात ये होगी कि क्या पूरी टीम आने वाले फाइट लेने के लिए या फिर यहाँ पे जो रोज है वही दोनों फाइट। ओके 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 बंदे को स्पॉट करने का काफी अच्छी कोशिश थी लेकिन नॉकआउट नहीं निकाल पाएंगे। एंड कहने की बात करी जाए अगर क्रिश की तो वो तो बहुत ही शॉर्ट मिस करे है यहाँ पे। एक्स मानिया की टीम है क्या ब्रो? एक्स मानिया की टीम नहीं तो भाई साहब टीएसजी रॉकी एक बंदे को रिवाइव कर पाए अभी तक जो कि माइंड एक्स है एंड ऑलरेडी वो डैमेज है। सामने वॉल लगी हुई है, देखने वाली बात होगी कि क्या इनको बंदे एलिमिनेट कर सकते हैं। एचटीजी निशी ओके 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 फिलहाल फाइट लेते हुए जोर से नजर आने वाला है कमांड पोस्ट की तरफ को एंड कहीं ना कहीं फाइट हो चुका स्टार्ट। एंड बात करी जाए भाई नॉट पॉसिबल यार, गाइस एक सेकेंड लाल एचटीजी निशी यहाँ पे शॉर्ट रेंज में एक बंदे को स्पॉट करेंगे, बंदे ऑलरेडी वहां पे निकल चुके काफी ज्यादा दूर, लॉन्च पैड लगा के जोर से निकल जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं निशी में भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। फिलहाल तो रश करने का पूरा पूरा प्लान है। ओके यहाँ पे एक बंदा इनका निकल चुका है। ओके एंट्री तो दिया है, आगे चलिए गाइस। फिलहाल तो एक बंदी को एलिमिनेट कर दिया था अहान को लेकिन कहीं ना कहीं उनको रिवाइव मिल चुका है एंड कहीं ना कहीं काफी अच्छी लूट भी है इनके पास में आ चुका है। फिलहाल सामने एक लूट केस भी होने वाला है, अपन लोग इसको लूट केस बोलेंगे आज से, मेरे को वैसे पर्सनली इसका नाम नहीं पता है तो यार काफी अच्छा सा नाम मिल गया लूट केस। तो लूट केस में यहाँ पे फिलहाल बंदे हो चुके स्पॉट, अहान को अगेंस्ट करा गया नॉक एंड एलिमिनेट एज वेल। बाकी देखने वाली बात ये होगी क्या ये टीम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, अगर जिस हिसाब से यहाँ पे अहान हुए एलिमिनेट आई डोंट थिंक सो कि ये टीम इससे ज़्यादा सर्वाइव कर सकती है। एंड शायद से वहाँ पे हाइड्रोजन को भी करा गया नॉकआउट एंड शायद से हो सकते हैं एलिमिनेट एज वेल। आगे चलिए बढ़ते मैच की तरफ को, सॉरी मैच बोल रहा हूँ मैं दूसरी टीम की तरफ को। फिलहाल तो एचटीजी के पास में ऑलरेडी इतना अच्छा फाइट चल रहा है तो छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, बट देखते हैं क्या करने वाले। हाइड्रोजन को ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी अच्छी एलिमिनेशन आ चुका है एंड साथ साथ अपने टीम को रिवाइव भी कर दिया है वहाँ पे अहान को एज वेल। आगे चलिए क्या होने वाला है इस टीम के साथ में वो देखने वाली बात होगी। एंड हाइड्रोजन जो है जिस हिसाब से किल कर रहे हैं अपनी टीम को भी रिवाइव कर रहे। ओके 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 यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, बस ऐसे ही लग गई है गलती से, थोड़ा सा डैमेज आया 16 का, कोई बात नहीं। आगे चलिए देखते क्या होने वाला है। एंड अहान की बात कर जाए तो वो हर बार जो है ओपन की उतरते वो मेरे को समझ नहीं आता। ओके बंदे को स्पॉट कराया ऊपर की तरफ को, क्या हेडशॉट कनेक्ट कर सकते हैं जी बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बंदे जो है उनको डैमेज जोर से देने वाले लेकिन कहीं ना कहीं एलिमिनेशन नहीं आ सकती है। कितने प्राइस पूल का टूर्नामेंट है ब्रो? आई डोंट नो ब्रो, आप इससे पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैनेजर होगा उनसे पूछ लो, WND स्पोर्ट्स खुद ही बता देंगे, चैनल के ओनर है इधर पे तो जो स्ट्रीम करवा रहा है उनको पता होगा, मेरे को तो पता नहीं है। तो या EXO मन्नू ओके सोलो सर्वाइवर। एंड फिलहाल कहीं ना कहीं कहीं को तो जा रहे हैं फाउंडेशन की तरफ को जरूर से वहाँ पे ड्रॉप, साथ ही साथ वहाँ पे जो है रिवाइवल भी होने वाला, वेंडिंग मशीन भी है तो या वहाँ जाके अपने टीम को रिवाइव कर सकते हैं, बट देखते हैं क्या करने वाली है टीम। फिलहाल मन्नू तो व्हीकल के क्लोज आ चुके हैं, मे भी व्हीकल लेके निकलने वाले हैं बट कहाँ को जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वहाँ पे JD क्रिश ओके इनकी टीम भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुके। फिलहाल ओके सामने ऑलरेडी एक टीम हो चुकी है स्पॉट। ओके
टाइम पास बॉय शॉर्ट रेंज में बंदा क्या करने वाले यहाँ पे वो देखने वाले बात होगी शॉर्ट रेंज में एंड लॉन्ग रेंज में भी। ओके टारगेट का शॉट इजी नॉकआउट एंड साथ ही साथ वहां पे जेडी क्रिश भी हो चुके नॉक एंड करा जाएगा दोनों को ही साथ में एलिमिनेट। फिलहाल बात करी जाए तो ईजीएल की टीम जो है वो यहाँ पे टूटती हुई जोर से नजर आने वाले, बट क्या ये टीम यहाँ पे इसके आगे जा सकती है या फिर इस टीम का बेफ्रंट पे ही होगा खेल खत्म, आगे देखते क्या होने वाला है। ये ऊपर की तरफ को बंदे आ चुके जैसा कि लग रहा है फुटस्टेप से, नीचे भी है एक ऊपर भी है एक। ओके नो चांस कि यहाँ पे आरजेडी आयन सर्वाइव कर सकते हैं। लाल तो काफी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जिस हिसाब से DW की टीम ने उन पर रश दिया आई डोंट थिंक कि सर्वाइव करने लायक था वो मोमेंट। एंड फिलहाल EGL 5v10 solo सर्वाइवर है। बाकी चलिए बढ़ते दूसरी टीम की तरफ को DW धर्म। ओके यहाँ पे ये पूरी पूरी टीम जो है वो जरूर से रहने वाले, बट क्या वो उनको आखिरी के बंदे को स्पॉट कर पाएंगे। लाल FS रिकी की बात की जाए तो वो कहने के बेफ्रंट के नीचे की तरफ को होने वाले जो कि चार पांच घर होते हैं साथ में एंड एक विंडिंग मशीन, तो ये काफी अच्छा स्पॉट है मेरे ख्याल से। एंड वहाँ पे बात करी जाए अगर TSG की टीम तो वो कहने के सामने की तरफ को ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके फिलहाल तो कैरेक्टर स्किल के यूज से। यहाँ पे क्या कैरेक्टर स्किल है, क्रिएट्स फॉर थ्रोएबल इनवैलिड लाइज एरिया रिस्टोर्ड आर्मर। भाई कितना लंबा चौड़ा पढ़ने में तो हो गया भाई। फिलहाल तो TSG की टीम यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से सर्वाइव करते हुए नजर आएगी लेकिन सामने एक बंदा जो स्पॉट हुआ ड्रैग शॉट यहाँ पे बंदों ने मिस करा, फिर स्कोपिंग स्कोप आउट करा है वो भी यहाँ पे कहने कहीं शॉट मिस करते हुए जोर से नजर आने वाले। बट देखने वाली टीम बात ये होगी क्या ये टीम यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। जिस हिसाब से लग रहा है जोन तो यहाँ पे श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है, सारे बंदे जोन में जोर से बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड जोन की बात करी जाए तो वो फाउंडेशन की तरफ को होने वाला है, काफी अच्छा सा प्लेस होने वाला है। वैसे अगर जो टीम पहले वहाँ पे अप्रोच कर जाएगी उस टीम के लिए काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन जो थोड़ा सा ओके शॉर्ट रेंज में बी सोनिक BIP फिलहाल सोलो सर्वाइवर। ये बंदा है फिलहाल पैरागन का शॉट। ओके नहीं ये नहीं करना था, अपना लोकेशन कर देंगे रिवील। एंड फिलहाल एक ओके बहुत तगड़ा शॉट इजी करा जाएगा 120 को एलिमिनेट। एंड यहाँ पे बात करी जाए तो कहने के EXO की टीम वहाँ पे शायद से रिवाइव कर चुकी थी एंड मनु एंड फ्लिक्स अगेंस्ट डुओ सर्वाइवर यहाँ पे जोर से नजर आने वाले अगर ये टीम एलिमिनेट होने को है। एंड अगर EXO की टीम में से कोई भी बंदा मनु एंड फ्लिक्स को रिवाइव कर दे तो या वो टॉप थ्री करने लायक है, वो टीम ऑलरेडी टॉप थ्री में एंटर कर जाएगी। आगे चलिए बात करी जाए अगर 12th नंबर टीम की तो वो ऑलरेडी एलिमिनेशन के कगार पे रह रहा है। फिलहाल तो सोलो सर्वाइवर यहाँ पे अहान नजर आ रहे लेकिन मे बी अहान के पास जो है वो हीलिंग्स नहीं होने वाला। HTG निशी एंड साथ ही साथ स्कॉलर एंड हाइड्रोजन वो सब हो चुके एलिमिनेट एंड सुपर मेडिकेट लगाने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा लेकिन आई डोंट थिंक वो रिवाइव कर सकते खुद को, मतलब हील कर सकते थे। वैसे स्लॉट एक बंदा जोर से स्पॉट हुआ लॉन्चर, ओके अंदर की तरफ को जोर से एंट्री देते हुए नजर आएंगे लेकिन RGS 50 से अब बात बन सकती थी। फिलहाल बंदे थोड़े ओके एंटर का शॉट काफी अच्छा डैमेज दे दिया गया एंड कहीं ना कहीं टीम का सपोर्ट के कारण यहाँ पे शायद से जो है रिवाइव मिल सॉरी एलिमिनेट निकाला जा सकता था लेकिन टीम जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पीछे रहने वाले। देख सकते दो बंदे ओके 2-2 की स्प्लिट में ऑलरेडी ये टीम खेलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो बॉल ओके बैरल का शॉट काफी अच्छा डैमेज आ चुका है साथ ही साथ रश मारने का परफेक्ट चांस एंड या रश कर सकते हो। ओके बैरल का शॉट इजीली नॉक एंड DW द्वारा होते हुए फिलहाल मोटा बच्चा सोलो सर्वाइवर। ओके सामने बंदे हो चुके दो दो स्पॉट, बट क्या यहाँ पे ये टीम जो है मोटा बच्चा कर पाएंगे एलिमिनेट। ओके 195 इजी एलिमिनेशन यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। बाकी बात करी जाए वहाँ पे FS की टीम यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी अच्छा प्लेस पकड़ चुके हैं। पिछले मैच के विनर्स की बात करी जाए तो वो यहाँ पे ऑलरेडी एलिमिनेशन के कगार पे रह रहे हैं। फिलहाल 14 हेल्थ के साथ यहाँ पे जोर से रह जाएंगे, सुपर मेडिकेट का यूज करा जाएगा फुल हेल्थ के लिए। एंड कहीं ना कहीं आपको पता है हमको पता है सबको पता है कि RGS 50 में तीन ही एमोज होती है, तो वो तीन एमोज यूज करने के बाद जो है टीम कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वो हो जाती है, मतलब तैयार हो जाती है कि अब तो होगा ही नहीं उसके पास एमो होगा ही नहीं, क्या करना चाह रहे समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बाकी वहाँ पर ड्रोन का यूज़ करा गया बंदों के लोकेशन रिवील करने के लिए लेकिन सामने की तरफ से बहुत ही खतरनाक ओवर पावर फायर आ रही है। नो चांस कि ये दो डुओज यहाँ पे सर्वाइव कर सकते। ओके पैर का शॉट काफ़ी आसान डैमेज आ चुका है लेकिन कह रही क्या M10 में वहाँ पे 6 गोलियाँ होती है आप स्प्रे कर सकते हो M10 से, वही अच्छी बात रहने वाला है। TSG की टीम को यहाँ पे करा जाएगा एलिमिनेट, वहाँ पे DW की टीम पूरे हो चुकी है एलिमिनेट। फिलहाल बात करी जाए तो वहाँ पे कहेंगे दो ही टीम यहाँ पे सर्वाइव कर दो जोर से नजर आने वाले। फिलहाल वहाँ पे मुन्नू ओके मुन्ना है मे बी सॉरी मन्नू, मैं तब से मन्नू बोल रहा हूँ बट ये मुन्ना है वही है मन्नू ही है सॉरी
भाई। अच्छा दोनों बंदे हैं, मन्नू मुन्ना दोनों है, बाकी दोनों ही बंदे फिलहाल तो मन्नू यहाँ पे हो चुका है एलिमिनेट एंड कहीं कहीं रिवाइव दिया जाएगा काफी इजीली। फिलहाल शॉर्ट रेंज में बंदे हो चले स्पॉट। ओके पैरा का शॉट, सॉरी एम्प्टन ट्रिपल चिप इजी नॉकआउट एंड फिलहाल मुन्ना वहाँ पे कहने के डुओ सर्वाइव ट्रायोज वहाँ पे मन्नू मुन्ना बीस्ट को भी रिवाइव मिला अभी जस्ट एंड नो चांस बीस्ट आते ही कुछ कर पाएंगे। फिलहाल डुओज यहाँ पे जरूर से रहने वाले, फिलहाल तो मन्नू यहाँ पे जरूर से रहने वाले लेकिन बट आई डोंट थिंक कि ये टीम यहाँ पे सर्वाइव कर सकती। ओके एमटी का अगेंस्ट शॉट पड़ चुका, फिलहाल साइथे का यूज से यहाँ पे एलिमिनेशन आ सकता है बट देखते क्या करने वाले। ओके साइथे का यूज बहुत ही इजीली करा जाएगा यहाँ पे मन्नू को नॉक एंड एलिमिनेट करने के लिए ऑलरेडी टीम है एंड फिलहाल दुआ दिया जाता है अपने एफएस की टीम को एज वेल बट सोलो सर्वाइवर क्या यहाँ पे क्लच आ सकता है एक ग्रेनेड में अगर एक दो फिलहाल तो सोलो सर्वाइवर शॉर्ट रेंज में ऑलरेडी बंदे रश करते हुए जोर से नजर आएंगे इजी करा जाएगा स्प्रे एंड साथ साथ एफएस की टीम अगेन से लेके जाती हुई तीसरे मैच का बूया ऑल सेट एंड चलिए गाइस बढ़ते हैं किल पॉइंट्स की तरफ। नाइस गाइस तुम लोग भी स्ट्रीम को लाइक करो जैसे मैंने करा। अगर चलो गाइस किल पॉइंट की बात करी जाए पांच एलिमेशन के साथ यहाँ पे रिकी जोरो से रहने वाला एफएस नोवन दो एलिमेशन एंड एफएस त्रिशन चार एलिमेशन एंड साथ ही साथ ब्लैक बॉट चार एलिमेशन वो भी होने वाले ईएक्सओ की टीम सेकंड नंबर पे होने वाले एक एलिमेशन के साथ बीस्ट फ्लिक्स एक एलिमेशन एंड मुन्ना दो एलिमेशन मन्नू पांच एलिमेशन। बाकी टीएचजी की बात करी जाए वो थर्ड नंबर पे होने वाला तीन एलिमेशन के साथ रॉकी रिमाइंड एक्स चार एलिमेशन जीरो जीरो यहाँ पे होने वाला अदु एंड ईशान। बाकी चलिए किल पॉइंट्स बाकी किल पॉइंट्स आप लोग पॉज करके देख लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ को भाई एक सेकंड गाइस चलो गाइज अपना हो चुका है मैच स्टार्ट फिलहाल फोर्थ एंड अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक नहीं करा स्ट्रीम को तो लाइक वाले बटन को जो है प्रेस कर देना साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं इस मैच की तरफ। ओके गाइस फोर्थ मैच हो चुका स्टार्ट प्लेन पैथ की बात करें तो मिडल ऑफ द मैप होने वाला है सीपीआरटी से सीधा यहाँ पे मार्स इलेक्ट्रिक की तरफ को जोर से होने वाला है। वहीं ब्लू जोन की बात करी जाए तो वो ऑब्जर्वेटरी पे होने वाले, वैसे तो जरूरत नहीं थी ऑब्जर्वेटरी पे ब्लू जोन की बट हाँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूट रहा था पहले से ही या नहीं जरूरत बट हाँ दे दिया गया बट कोई बात नहीं देखते क्या होने वाला है। एंड अगेन अगर बात की जाए डीडब्ल्यू की टीम आ चुकी है प्लांटेशन पर, थोड़ा बहुत स्प्लिट ऑलरेडी यहाँ पे हमें टीम में देखने को मिल चुका है। फिलहाल वहाँ पे बी एन जी की टीम की बात की जाए तो वो कहने के पीक की तरफ को होने वाला है एंड पीक पे होने वाला क्लैश। फिलहाल तो नॉर्मल सा मैच लग रहा है जैसे कि हमने एक क्लासिक स्टार्ट कर दिया हो एंड सारे बंदे आ चुके फिलहाल नहीं 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 नो चांस कि यहाँ पे पिकाचू सर्वाइव कर सकते हैं, नॉकआउट निकाला जाएगा। साथ ही साथ इनको टीममेट जो वो कहने के जोर से रहने वाला थे लेकिन जाविस को भी करा जाएगा वहाँ पे नॉक एंड पिकाचू वो भी हो चुका है एलिमिनेट। क्लची की बात करी जाए तो वो भी स्टिल इन पीक एंड फिलहाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी दोनों टीम्स के पड़ चुके हैं तो शायद जो है यहाँ पे एश वी एन जी की टीम हो सकती थी एलिमिनेट बट बात करी जाए वहीं पर दूसरी टीम तो वो यहाँ पे क्लची। ओके चलिए ब्लैक बॉट एफ एस की टीम यहाँ पे चिल कर रही है ऑब्जर्वेटरी की तरफ को
एंड फिलहाल वहाँ पे टीएचसी की बात करी जाए तो वो कहने के होने वाले अकेले रॉकी रिमरिम की तरफ को, बाकी उनके टीममेट जो है वो कहने के मिल साइड पे गए हुए, फिलहाल क्लैशेस ज़्यादातर होते हैं इसीलिए। बाकी वही बात करी जाए सोहन तो फ्लैश बीआईपी हो चुके यहाँ पे एलिमिनेट, बाकी उनके सारे बंदे जो है वो पोची नॉक पे जरूर से रहने वाले। वहाँ पे सोने की टीम वो होने वाले पीक की तरफ को काफ़ी अच्छे तरीके से, बाकी ऑलरेडी स्पॉट आउट कर लिया गया इन लोगों को, या तो थोड़ा सा स्प्लिट है टीम इसी कारण से अभी तक ये टीम अलाइव भी है। बाकी वहाँ पे एफजेड की टीम की बात करी जाए तो वो कहने के ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन मतलब एफजेड हो चुके एलिमिनेट। फिलहाल नारुतो ऋतिक एंड ब्रोकन देव ट्राई सर्वाइवर्स एंड नारुतो के सामने ऑलरेडी हो चुके बंदे स्पॉट। फिलहाल लेफ्ट राइट ड्रैग शॉट यहाँ पे काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया गया शॉर्ट रेंज में बंदे, टैरागन का स्प्रे इजी नॉकआउट आ सकता था लेकिन कहने के बंदे वहां पे जोर से निकलते हुए नजर आएंगे। या नाइस, काफी इजीली यहाँ पे खर्च आएगा उनको नॉक। एंड फिलहाल बात करें जॉय ऋतिक के तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जोर से रहने वाले, एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ये बंदे सर्वाइव करने वाले जिस हिसाब से लग रहा है ब्रोकन देव एंड फिलहाल अपने ब्रोकन देव एंड ऋतिक, ऋतिक को तो ऑलरेडी कर दिया गया नॉकआउट। बट या अपने ड्रॉप लोकेशन पे जाना कितना मतलब वो होता है भाई, कितना सेफ है, मतलब अगर आपके ड्रॉप लोकेशन पे अपने ड्रॉप लोकेशन पे आते हो तो कॉन्फिडेंट रहते हो कि भाई कोई भी आए हम तो मार ही देंगे, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन आप अगर आप दूसरे के ड्रॉप लोकेशन पे जाते हो तो एक तरह से डर भी रहता है कि सामने बंदे भाई कौन सी टीम हो सकती है ये वो, एंड मेरे को दिख रहा है कि बंदे आउटफिट दिख रहे हैं बट सबको नहीं दिखते, जो ऑब्जर्वर होते उन्हीं को दिखता है। भाई EGL को ज़्यादा दिखाओ वरना कास्टिंग का पेमेंट नहीं दिलवाऊंगा आंसू से। व्हाट सीरियसली मनीष भाई ठीक है, हमने बात कर लिया है एंड हमने से रिप्लाई आया है कि जो भी बोल रहा है उसको वो कर दो, बैन कर दो, मेरे को मॉड मिला है पता है ना, वो चैनल का मॉड मिला हुआ बैन करने बोल रहा, कर दूं भाई। चलो गाइस EU की टीम की बात करी जाए तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हंगार की तरफ को रहने वाला है, वहाँ पे EGL की टीम की बात करी जाए तो वो कहने के काफी अच्छे तरीके से प्लांटेशन एंड कार्टेलिस्ट की तरफ को, फिलहाल तो भीम शक्ति की तरफ को बेसिकली ये टीम बढ़ रही है। एंड भाई बात करी जाए ओबीतो की टीम हर बार ही अर्ली फाइट में हो जाती है एलिमिनेट, बट इस बार जरूर से सोलो सर्वाइवर रहने वाले, स्टिल सोलो सर्वाइवर 39-38 बंदे यहाँ पे अलाइव है। फिलहाल वहाँ पे एक्सो की टीम की बात करी जाए तो वो कहने के काफी अच्छे तरीके से रहने वाले, ओके कार्टेलिस्ट की तरफ को फाइट तो हो सकती है, चांसेस लग रहे। आगे बात करी जाए प्रो पेसन, ओके पेस पेसेंस भाई क्या नाम, चलो गाइस लाल तो ये टीम सर्वाइव करने लायक है एंड कहने के डुओ सर्वाइवर्स काफी अच्छे तरह से खेल रहे हैं। लास्ट के जो बंदे बचे हुए थे पिछले मैच में अपने AR अहान वो भी सर्वाइव कर जाते अगर थोड़ा पहले अगर हीलिंग का यूज करा होता तो, नहीं तो अगर उनके पास व्हीकल होती तो मिशा, वैसे पुराना ट्रेंड तो लाना नहीं चाहिए लेकिन मिशा के साथ व्हीकल का सीन काफी अच्छा होता है वैसे लास्ट जोन में भी एंड लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। गोकू FF क्या बंदे है वहाँ पे, क्योंकि फुट्स नहीं देना चाह रहे यहाँ पे गोकू। ओह
लग तो रहा है कि यहाँ पे बंदे हैं, बट देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल हमें बात करें जो है चेटिया यान। ओके क्रिश यहाँ पे हो चुका है एलिमिनेट एंड नॉक आउट। फिलहाल टाइम पास बॉय को भी करा जाएगा नॉक एज वेल एंड कहेंगे आरजेडी एंड फैबी दम डुओ सर्वाइवर्स यहाँ पे जुड़ कर रहने वाले। बट देखने वाली बात ये होगी क्या ये डुओ सर्वाइवर्स कर दिया मैसेज आसू को। हाँ भाई कर दिया, मैं वेट नहीं करता भाई। ओके फैबी धन भी यहाँ पे नॉक एंड साइल से ये टीम का होता है यहीं पे खात्मा। ऑलरेडी यहाँ पे आरजेडी आया सोलो सर्वाइवर रहने वाले, बट क्या यहाँ पे फाइट लेंगे। ओके स्पॉट कर लिया गया, नो चांस कि यहाँ पे ये टीम सर्वाइव कर सकती। फ्लैश फ्रिज थ्रो करा गया ऑलरेडी एंड कहने के थोड़ी बहुत डैमेज भी आ चुके फ्लैश फ्रिज से एंड ओके 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 यहाँ पे ग्रेनेड जोर से कुक करा गया, थ्रो करा गया। क्या ग्रेनेड से नॉकआउट निकाल सकते, ग्रेनेड फ्लैश फ्रिज जो ग्लू मेल्टर है वो सब सारे। ओके शॉर्ट रेंज में बंदा यहाँ पे लॉन्चर, नो चांस नो चांस, दोनों ही बंदे यहाँ पे हो जाएंगे एलिमिनेट। एंड फिलहाल अपन लोग देख रहे हैं ब्रो के देव को। ओके बाकी चलिए मनीष भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी टीम जा चुकी है मैच पे, मैच के बाहर लॉबी में मिलते हैं। वीएनजी ओके एश यहाँ पे सोलो सर्वाइवर सेंटोसा की तरफ के एंड सेंटोसा पे ऑलरेडी एक बंदे होने वाले हैं फिलहाल सोलो सर्वाइवर वो भी है बेसिकली। भाई कोई तो था हेलो ऊपर की तरफ को कोई तो टीम था, एश 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 तो थे बट कोई तो था यार, कोई टीम तो था मैं, कोई तो टीम था, मैं उसका टूर्नामेंट बंद करवा बैन कर व्हाट नो मर्सी भाई। अच्छा आयुष आयुष है ओके आसू मैं पढ़ रहा गलती से, बट हाँ चलो गाइस मैच पे ध्यान देते हैं, अगर चैट पढ़ने लग गया तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा। ओके चलिए देखिए मैच के बाद चैट देखते हैं फिलहाल। ओके एक बंदे को वहाँ पे नॉक निकाला गया लेकिन कहने के जिस हिसाब से यहाँ पे नो वन जो है डैमेज दे रहे हैं शायद से सामने वाले टीम को यहाँ पे रुकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनकी टीम जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट में खेल रही है। अगर टीम साथ में होती तो शायद से एलिमिनेट करना पॉसिबल होता। समझा लो इस कास्टर को, ओके ओके आज से भूल गए थे कि यहाँ पे बंदे भी होते हैं। वहाँ पे बात करी जाए रिके सोलो सर्वाइवर फैक्ट्री के छत पे जोड़ से नजर आने वाले मैं भी यहाँ पे एक बहुत बता तो बैरल का शॉट, लेकिन बैरल का शॉट कर देंगे मिस, एक भी डैमेज लिटरल नहीं आया बंदे को एंड रिके करेंगे इजिली एलिमिनेट। बाकी देखने वाली बात ये होगी क्या अपने टीम मेट को यहाँ से रिवाइव करने वाले या फिर नहीं। आगे चलो वीएनजी अस्टर पनौती है टीम को देखा एलिमिनेट। हाँ हाँ बोल लो सही है नूब कास्ट, ठीक है तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैच देख लो तुम लोग ऐसे ही। पहली बात तो मनीष भाई कि मेरे को कोई ऑफिशियली जानता ही नहीं, मैं किधर से हूँ कहाँ को रहता हूँ क्या नाम है मेरा वो भी नहीं जानता, बस कास्टर के नाम से जानते हो तो कैसे मैं बचा हुआ ऑलरेडी, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ तुम लोग से तो या आई एम गुड। ओके शॉर्ट रेंज में बंदा फिलहाल तो देखने वाली बात होगी, मैक्सन का शॉट इजी पिकाचू को करा जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट। एंड फिलहाल बात करी जाए तो सोन यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी अच्छे तरीके से आ चुके,
फिलहाल बहुत ही इजीली एंड फिलहाल वहाँ पे बात कर जाए सोनिक ओके एक बंदे को स्पॉट करके मिशा ऑलरेडी वहाँ पे जोर से रहने वाले उनके पास में बट बात कर जाए टीएफसी एपीडी उनकी पूरी पूरी टीम होने वाली नो चांस कि वो बंदा वहाँ पे सर्वाइव करने वाला फिलहाल तो सोनिक होने वाला शॉर्ट रन में बैरल का शॉर्ट ओके एम टेन बैरल बंदे दो बंदे आए हुए एक बंदा नहीं है फिलहाल तो काफी अच्छा डैमेज लेकिन एबीडी को करा गया नॉक एंड फिलहाल शॉर्ट रेंज में दो बंदे होने वाले अंदर का शॉट ओके 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 बंदे यहाँ पे थोड़े से एग्रेसिव हो चुके हैं फिलहाल बात करी जाए सोनिक तो वो यहाँ पे सोलो सर्वाइवर होने उसके बाद भी बंदे उनके दो पीछे जरूर से रहने वाले लेकिन कहने के बाद वही है फिर सोनिक को यहाँ पे पूरा पूरा प्रॉपर कवर चाहिए होगा अगर उनको टीम के साथ जाना है तो प्रॉपर कवर चाहिए होगा कि किसी से टीम फायर देते रहे एंड हाँ निकल ले भाई ओके फिलहाल तो शॉर्ट रेंज में बंदा है बट कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई है ओके राइट साइड में बैरल का शॉट काफी इजीली यहाँ पे एलिमिनेशन निकाला जा सकता है टीममेट की टीम सपोर्ट की बात करी जाए तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला फिलहाल तो ग्रेनेड अगेन से कुक करा गया फिलहाल डैमेज आएगा दोनों ही बंदे को एंड कहीं ना कहीं जो सामने वाली टीम जो है वो ग्रेनेड कर रही थी बेसिकली उनका भी ग्रेनेड यहाँ पे नहीं आया एंड कहीं ना कहीं आरजीएस 50 का यूज करने वाले यहाँ पे फिलहाल सोल क्रूज ओके यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है फिलहाल शॉर्ट रेंज में बंदा नो चांस कि यहाँ पे सोल क्रूज भी सर्वाइव कर सकते हैं भाई साहब क्या ही शॉट था नॉकआउट निकाला गया एलिमिनेशन नहीं आ सकता वहां पे ऑलरेडी उनके बंदे होने लगे सोनिक को यहाँ पे नॉक जोर से निकाला गया दाबी की बात की जाए तो वो कहने के बंदे को स्पॉट तो कर चुके हैं लेकिन कुछ खास जो है स्पॉट नहीं आ रहा है इसके कारण से किल भी नहीं आ सकता बाकी वहाँ पे सोनिक को रिवाइव करा जाएगा एंड टीम जो है वो जोन के बाहर जो है सर्वाइव करते हुए नजर आएगा ओके ग्रेनेड थ्रो करा गया बहुत ही तगड़ी फायर आ रही है सामने की तरफ से एंड यहाँ पे 3v4 सिचुएशन हो चुके क्रिएट फिलहाल बात करी जाए इनकी टीम की तो वो कहने की काफ़ी जल्दी ही टूटने वाली है ऑलरेडी एलिमिनेशन के कगार पे ये टीम एंड फिलहाल अगर बात करी जाए तो सामने जो टीम है वो अभी तक कुछ खास पता नहीं चल चुका ओके सोल क्रूज DW होने वाले बेसिकली फिलहाल देखते हैं DW की क्या लोकेशन होने मतलब क्या पोजीशन होने वाली फिलहाल तो निकल रहे या फाइट ले रहे ओके एक बंदा तो फाइट ले रहा है दूसरा बंदा वेट कर रहा है तीसरा बंदा निकल चुका है ओके फिलहाल थोड़ा सा घूम के आएंगे ओके लॉन्चर यहाँ पे थ्रो करा गया डैमेज बिल्कुल भी नहीं आएगा लेकिन मोटा बच्चा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है लॉन्चर ओके M7 M249 का शॉट काफ़ी ईजिली करा गया नॉक एंड साइज यहाँ पे वो टीम हो चुकी है एलिमिनेट यप एलिमिनेट हो चुकी है वो टीम फिलहाल चलिए देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे सर्वाइव करने वाले फिलहाल बात करी जाए अगर स्लॉट 12 की तो वो भी ऑलरेडी एलिमिनेशन के कगार पे है बट आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा ये टीम सर्वाइव कर भी सकती है फिलहाल तो सोलो सर्वाइव रहने वाले एंड ऑलरेडी बहुत ही तगड़ा जोन के बाहर डैमेज खाते हुए जोर से नजर आएंगे ईजी करा जाएगा एलिमिनेट बाई एक सी मनु एज वेल एक्सो मनु जहर वहाँ पे सोलो सर्वाइवर जोर से रहने वाले बट देखते हैं जहर सोलो सर्वाइवर ऊपर की तरफ जोर से नजर आने वाले बट देखते हैं कि क्या ये टीम यहाँ पे सर्वाइव कर पाई वैसे ऑब्वियसली ये सोलो सर्वाइवर एंड हर बार इनकी टीम अर्ली फाइट में हो जाती है एलिमिनेट बट इस बार टॉप 10 में होने वाले बेसिकली टॉप 3 टीम्स यहाँ पे हमें नजर आ चुके हैं 4 टीम्स सॉरी सब लो भाई रोस्टर को अरे ना अरे भाई कैन डू एनीथिंग ब्रो एक बंदे को शॉट बहुत ही तगड़ा हेडशॉट एंड इजी एलिमिनेशन जोर से आते हुए इनके पास में 109 को फिलहाल स्पॉट कर लिया गया डैमेज ऑलरेडी इनको कनेक्ट कर दिया गया एंड लोकेशन रिवील करने के कारण यहां पे हो सकते हैं एलिमिनेट एक बंदे को रेडी करा गया स्पॉट फिलहाल वॉल की थोड़ी सी होने वाली है जरूरत फिलहाल तो दूसरी टीम से वो टीम भिड़ती हुई नजर आ रही है चलिए उनकी तरफ को चलते हैं 120 यहाँ पे हो चुके हैं नॉक सॉरी नॉक के कगार पे आ चुके हैं नॉक नहीं हुए थे बहुत ही अच्छी तरह से हील करके वहाँ से जोर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं बट क्या ओके जहर भी हो चुका है एलिमिनेट एंड फिलहाल एक बंदा यहाँ पे जोर से शॉर्ट रेंज में नजर आने वाला है टैराकन का शॉट लेकिन बंदे हो जाएंगे नॉक एंड फिलहाल एक और बंदा ओके किल कंफर्म करने वाले यहाँ पे पहले तो जी बिल्कुल किल कंफर्म भी कर लिया शॉर्ट रेंज में अगेन से फिलहाल दोनों ही बंदे यहाँ पे फंस चुके हैं एज वेल एंड कहने के 34 हेल्थ के साथ यहाँ पे जुड़ से रहने वाले मन्नू फ्लिक्स यहाँ पे सोलो सर्वाइवर 1v1 सिचुएशन एंड देयर वी गो इजी पूरा दिया जाएगा BNN को एज वेल बाकी चलिए गाइस बढ़ते हैं किल पॉइंट्स की तरफ को आसू मॉड बना दे मुझे
नो चांस भाई, नो चांस कि तुम मॉड बन जाओगे। फिलहाल भूया लेके जाने वाले DW की टीम, 3 एलिमिनेशन 7 धर्म एंड BFA जीवन, 4 एलिमिनेशन 3 एलिमिनेशन धर्म एंड मोटा बच्चा 1 एलिमिनेशन 1 एलिमिनेशन स्टोन है। वहाँ पे एक्सो की टीम सेकंड नंबर पे होने वाले, 1 एलिमिनेशन 7 एक्सो बीस्ट एंड फ्लिक्स, 5 एलिमिनेशन 7 मन्नू मुन्ना, 1 एलिमिनेशन एंड मन्नू, 4 एलिमिनेशन 7 है एज वेल। बाकी बात करी जाए वहाँ पे FZ की टीम थर्ड नंबर पे होने वाले, 0 एलिमिनेशन 7 FZ होने वाले। एंड वहाँ ब्रोकन की बात करी जाए, ब्रोकन देव 3 एलिमिनेशन, नारुतो FF 3 एलिमिनेशन, रेथिक 0 एलिमिनेशन पर हो जाएंगे एलिमेंट। बाय किल पॉइंट सब लोग पॉज करके देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ को। आगे चलो गाइस, फोर्थ मैच हो चुका स्टार्ट, सो फोर्थ नहीं फिफ्थ। अरे गाइस यहाँ पे फिफ्थ मैच हो चुका स्टार्ट। फिलहाल प्लेन बात की बात करी जाए तो इस बार तो काफ़ी अच्छा उत्सव होने वाला है। क्रॉस रोड वाले बंदे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, बाकी सारे बंदे अपने ड्रॉप लोकेशन पे जा सकते हैं। फिलहाल सेंट्रल से सीधा यहाँ पे मोथ हाउस की तरफ को जोर से होने वाला है। एंड ब्लू जोन की बात करी जाए तो वो उसकी लॉज की तरफ को होने वाला है एज वेल। एंड बाकी बात देखते वाली बात ये होगी कौन सी टीम कहाँ को जाने वाली है। ऑलरेडी DW की टीम जो पिछले मैच के विनर रह चुकी है वो यहाँ पे स्प्लिट में जोर से नजर आने वाले, लेकिन ये टीम कैम साइड की तरफ को होने वाले। वहाँ पे बात करी जाए अगर VNG की तो वो जाने वाले मोथ हाउस की तरफ को। एंड इस बार मोथ हाउस पूरा एंटर कर सकते हैं, बट देखते हैं क्या अगेन से यहाँ पे हमें क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे FS की टीम की बात करी जाए तो वो कहने के की लॉज की तरफ को, टीम FS रिकी यहाँ पे जोर से अलग उतरे थे, उनको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। बाकी बात करी जाए ट्राई सर्वाइवर्स यहाँ पे ऑलरेडी जोर से नजर आने वाले हैं की लॉज की तरफ को। बाकी क्लैशेस तो अभी तक एक ही देखने को मिला जिसमें से ऑलरेडी बंदे हो चुके एलिमिनेट। फिलहाल वहाँ पे बात करी जाए TSG की टीम अगेन से आई हुई है मोथ हाउस की तरफ को अपने ड्रॉप लोकेशन पे बेसिकली। एंड क्लासेस पूरी पूरी हुई है लेकिन बंदे थोड़े से अलग रहने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फाइट होने में टाइम लग सकता है, लेकिन कहने की बात करी जाए तो ये टीम क्लासेस तो ले रही है। वहाँ पर बात करी जाए फ्लैश शोहन, ओके ओके ओके, इनकी टीम तो फिलहाल क्लैश ले चुकी है। अगर बात अगर करी जाए सोनी की टीम तो वो भी क्लासेस के बीच में ही रह रही है। ABD ऑलरेडी यहाँ पे एक एलिमिनेशन बटर हो चुके हैं। फिलहाल बंदे भी जोर से रहने वाले, बट देखने वाली बात ये होगी क्या ये टीम यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है या फिर नहीं। वहाँ पे FZ की टीम की बात करी जाए तो सेंट्रल पे होने वाला एज वेल। एंड कहने के नारुतो के पास एक एलिमिनेशन, दो एलिमिनेशन जोर से यहाँ पे FZ के पास में रहने वाले, जितनी मतलब पूरी पूरी एक टीम को करा है इन्होंने एलिमिनेट। एंड फिलहाल वहाँ पे ब्रोकन देव वो हो चुके एलिमिनेट, एक एलिमिनेशन यहाँ पे जॉनी गॉड के पास आई हुई है। तो या यू की टीम यहाँ पे हो चुकी है अर्ली फाइट में एलिमिनेट। वहाँ पे 9 नंबर पे टीम होने वाली है EGL फैबिधन, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से खेल रहे हैं। वहाँ पे बात करी जाए जहर, ओके ओबितो की टीम अगेन से यहाँ पे अर्ली फाइट में होती हुई एलिमिनेशन एक गार पे नजर आने वाली है। अगर वहाँ पे बात करी जाए 11 नंबर पे टीम होने वाली है 120 सोलो सर्वाइवर, ऑलरेडी ये भी टीम एलिमिनेशन। ए भाई साहब कितनी टीम्स है जो कि अर्ली फाइट में हर बार एलिमिनेशन के कगार पे आ जाती है। बट वहीं पे बात करी जाए UNC की तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जोर से रहने वाले। मैं कुछ नहीं बोल रहा है, बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को, बोलने दे बोलने दे। मैं क्या बोलूं भाई, तकलीफ तुमको हुआ है, मॉड पहले मेरे को मिला, तकलीफ तेरे को हुआ है, अब WND आयुष बन के आया है। हाँ भाई तकलीफ हुआ बेचारे को, बोलने दे बोलने दे।
पहले मॉड किसको मिला वो तो चलो गाइज अपन लोग मैच पे ध्यान देते हैं, बाकी बातें बातें तो चलती रहेंगे यहाँ पे फिलहाल। बात करी जाए EGL तो वो कहने की काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे टीम जरूर से रहने वाले, बाकी बात EGL ओके EGL की टीम चिल कर रही है। एंड FZ बात करी जाए तो वो तो फिलहाल काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रोकन देव को भी मिल चुका है रिवाइव, एंड ऑलरेडी कहीं ना कहीं टीम यहाँ पे वाइट लेते हुए जरूर से नजर आ सकते हो। वहाँ पे सोनम सोनिक VIP ओके, यहाँ पे एरो पुष्कर को करा गया एलिमिनेट, एंड फिलहाल ट्रायल्स और अवेयर्स अगेन से नजर आने वाले अर्ली फाइट में। यहाँ पे हो गए थे एलिमिनेट आयुष फ्लैश VIP तो उनको मिल चुका है रिवाइव। फोर्थ नंबर टीम यहाँ पे TSG जोर से नजर आने वाले हैं, एंड ऑलरेडी कहीं ना कहीं फाइट हो चुकी है एंड एक टीम को एलिमिनेट भी कर दिया इन्होंने, बट देखने वाली बात ये हो गई कि कौन से टीम होने वाले थे। VNG मे बी जो थी वो शायद से मोथाउस की तरफ थी, यप वो टीम निकल रही है, देख सकते हो कि मोथाउस से कितना ज़्यादा क्लोज है ये। तो या DW की टीम की बात करी जाए तो वो कहने के ब्लू जोन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज, लेकिन ब्लू जोन में इनके एक दो बंदे होने वाले, सो देखने वाली बात ये हुई क्या ब्लू जोन में क्लासेस होने वाली है। अखेन से क्लासेस तो स्टार्टिंग में ही होती है, बट अब क्या फाइट हो सकता कि ऑलरेडी बंदे वहां से निकल रहे हैं। तो या कुछ तो होने वाले VFA Stoner, VNG Jarvis, ओके क्लची। अब तो VNG की तरफ से डुओ सर्वाइवर्स यहाँ पे जोर से रहने वाला है, एंड अगेन यहाँ पे 36 बंदे अलाइव है। एंड बात करी जाए तो की ओके पूरी पूरी टीम के साथ यहाँ पे जोर से आ चुके हैं, एंड साथ ही बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इनकी टीम जो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट हो चुकी है, एंड ऑलरेडी नो वन को यहाँ पे काफ़ी खतरनाक सा डैमेज आ चुका है, लीड पड़ी हुई है, एंड सामने की तरफ से बहुत ही खतरनाक रश आ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, एंड ऑलरेडी वहाँ पे त्रिशन को करा गया नॉक, एलिमिनेट भी कर देगा UMP का स्प्रे से करा जाएगा इजी नॉकआउट इनको भी, साथ ही साथ एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा। बाकी अभी बात करी जाए अगर ब्लैक बॉट आ चुके हैं उनको बचाने के लिए, एंड फिलहाल बंदे जो है वहाँ पे उनको एलिमिनेट करके व्हीकल ले गए निकल भी लेंगे ओके। फिलहाल डुओ सर्वाइवर्स यहाँ पर जोर से नजर आने वाले, बट देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये टीम यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है या फिर नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज ओके पीछे की तरफ से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक डैमेज, व्हीकल का शॉट पड़ते ही इनको नॉकआउट निकाला जाएगा जी बिल्कुल सर। G18 से खड़ा गया उनको एलिमिनेट, एंड फिलहाल कहने के बंदे हो चुके थे कंफ्यूज दैट्स व्हाई उनको करा गया एलिमिनेट। ज्यादा उड़ रहा है ये बंदा, मर जाएगा ये मेरे से पंगा ना ले। ये बात ओशियन भाई गुस्सा दिखाना है तो जाकर गेम प्ले में दिखा, इधर क्या दिखा रहा चैट में भाई। मैं वैसे ऑडियंस से बात नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ ऑडियंस होती है जो कि फ्रेंडली होती है जिससे बात कर सकते हैं अपन लोग, चिल चैट होता है ऐसा वैसा वो सब तो वो ठीक है, लेकिन अगर अब तुम लोग ट्रोल कर रहे हो भाई तो वो प्रॉब्लम होने वाला तुमको, प्रॉब्लम होगा तुमको। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतना पावर रखता हूँ कि किसी को कुछ करवा सकता हूँ, तो या करियर खा सकता हूँ तुमका। जस्ट किडिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा, चिल करो तुम। फिलहाल चलो यहाँ पे तो रिवाइव दे दिया गया BFA की टीम काफ़ी इजीली, DW मोटा बच्चा एंड साथ साथ स्टोनर दोनों को मिल चुका है रिवाइव। नीचे की तरफ क्वालिटी फाइट होते हुए जरूर से नजर आने वाले, BFA G1 को यहाँ पे पड़ चुका काफ़ी खतरनाक सा डैमेज, डबल एमटी के साथ जरूर से रहने वाले हैं। बट वहीं बात करी जाए BFA स्टोनर आ चुके ऊपर की तरफ, एक बंदे को स्पॉट करने बहुत ही तरह शॉट इजी नॉकआउट निकाला जाएगा G18 से, साथ ही साथ यहाँ पे एलिमिनेशन भी कर दिया जाएगा एज वेल। अगर एक और बंदा आ चुका है एम्पर का शॉट, कहीं ना कहीं रेंज बना के यहाँ पे BFA स्टोनर जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी तरह खेल रहे, बट अब एक शॉट एंड बंदा नॉक ओके
फिर से बनाया गया डिस्टेंस 56 का डैमेज, कहने के काफी अच्छा डैमेज ऑलरेडी दे दिया गया। एंड मोटा बच्चा वहां पे धीरे से पीछे से करेंगे एंट्री एंड शायद से एलिमिनेशन आ सकता है मोटा बच्चा के पास में। बट क्या मोटा बच्चा यहाँ पे अपने जो टीम का बदला लेने वाला है या फिर नहीं, लेकिन जीवन भी वहाँ पे आ ही चुकी है। सो नो चांस कि सामने वाला जो जो भी बंदा है वो सर्वाइव करने वाला है, क्योंकि M2 भी यहाँ पे एक ही शॉट इजी एलिमिनेशन आ सकता है। एक बंदा निकल चुका है भाई, व्हाट गायब ही हो गया भाई। Who knows कि बंदा किधर गया। Double kill. बट यार एलिमिनेशन तो आ चुके फिलहाल, बात कर जाए। ओके स्पॉट कर लिया भाई, क्या नजर है बंदे की। जीवन यहाँ पे स्पॉट करेंगे फिलहाल, वहां मोटा बच्चे को करा जाएगा इन्फॉर्मेंट, साथ साथ मोको भी वहां पे हो चुका स्पॉट है। ओके BFS जीवन यहाँ पे एक और एलिमिनेशन अपने खाते में जोर से बटोरेंगे, इसका मतलब है कि सामने वाली टीम जो है वो हो चुकी है एलिमिनेट। फिलहाल वहां पे इनकी पूरी पूरी टीम आ चुकी है। एंड बात करी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बंदे जोर से आने वाले। आयुष भाई मैं डरता नहीं किसी के से, तो हाँ जैसे भी आना है आ जाओ कर लेंगे फाइट। तुमको 1v1 करना है या रियल लाइफ 1v1 करना है, आ जाओ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मजे भाई, मजे मजे तक होते हैं, लेकिन ये बंदा अनोइंग हो रहा है धीरे धीरे, सर पे चढ़ रहा भाई, क्या ही कर सकता कोई बंदा, इतना झेले किसी को। भाई हम भी तो मजे ले रहे थे, हम भी तो नॉर्मली बात कर रहे थे, क्यों बंदा इतना सीरियस हो रहा। मैं भी तो इतना इग्नोर कर रहा हूँ, बट क्या करे, मजे ले रहे मजे ले रहे, कोई बंदा कितना ही इग्नोर करेगा। किसी के सर पे चढ़ जाओगे और सर सर बोलते रहोगे तो सर आपको छोड़ देंगे हैं। भाई छोड़ो वो सब बातें, मैच पे ध्यान देते गाइस। DW धर्म फिलहाल तो काफी अच्छे तरीके से ये टीम यहाँ पे सर्वाइव करते हुए जोर से नजर आने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं बंदे ऑलरेडी जोन के बाहर जा चुके, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जोन में आने के लिए। अगर बात कर जाए वहाँ पे अगर तो टीम भी काफी अच्छे से खेल रहे हैं। BNG की बात कर जाए तो वो ऑलरेडी एलिमिनेशन के कगार पे, फिलहाल सोलो सर्वाइव यहाँ पे जोर से नजर आने वाले ऐश। बट देखते हैं कि क्या टीम के यहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं। अब तो वैसे काफी कम चांसेस है, क्योंकि अब रिवाइवल से चांस नहीं है, क्योंकि रिवाइवल ऑलरेडी हो चुका है हाई खत्म। तो ओके रिकी को यहाँ पे स्पॉट कर लेगा, सुपर मेडिकेट का यूज करके यहाँ पे निकल सकते हैं। लेकिन अगर सुपर मेडिकेट का यूज करके आप डायरेक्ट निकलते हो तो कहीं ना कहीं बंदे को स्पॉट करेगा। M2B की शॉट्स यहाँ पे जोर से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस हिसाब से ये ऊपर चल रहे हैं आई डोंट थिंक सो कि ये बंदे सर्वाइव कर पाएंगे। ओके नॉक कर दिया गया फिलहाल, एलिमिनेट भी कर दिया गया एज वेल। एंड फिलहाल डुअल सर्वाइवर्स यहाँ पे जोर से नजर आना है, ब्लैक बॉट इंट्रूशन देयर वी गो। FZ की टीम भी यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज एलिमिनेट होते हुए जोर से नजर आएगी। EGL की टीम हो चुकी है एलिमिनेट, कंग्रेचुलेशन। बात करी जाए अगर वहाँ पे Obito की टीम, तो हर बार अर्ली फाइट में हो जाते थे एलिमिनेट, बस इस बार जो है टॉप 20 में जरूर से होने वाले, टॉप 25 बंदों में जरूर से होने वाले। आगे जहर, ओके भाई साहब काफी अच्छे शॉट्स कनेक्ट करे जा रहे हैं। एंड FZ की टीम भी यहाँ पे नारुतो FF आखिरी के बंदे वो भी हो जाएंगे एलिमिनेट। एंड फिलहाल भाई बात कर जाए XO मनु एंड कहने के VNM फ्लिक्स FF होने वाले हैं। एंड भाई मैं बात कर जाए टीम नंबर 12 की, तो वो कहने के काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे खेलने वाले हैं। अभी चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल तो 12 नंबर की टीम यहाँ पे कहने के इस बार काफी अच्छे तरीके से आ चुके, काफी ज्यादा क्लोज टॉप 20 बंदों में आ चुके फिलहाल तो ये टीम। भाई सिस्टम हिला सकता हूँ मैं स्ट्रीम के बाद कॉल पे आओ भाई, अलविश यादव का फैन लग रहा है बंदा पूरा, सिस्टम हिला के रख दूंगा सिस्टम। अरे भाई थारा भाई जोगिंदर ना है मैं, बाकी चलो गाइस Obito की टीम तो इस बार सर्वाइव करने से रही। ओके अगेन सहनी को यहाँ पे करे जाएगा नॉक एंड फिलहाल रिवाइव देते हुए जोर से नजर आने वाले गोकू, लेकिन सामने की तरफ से जितना भी खतरनाक फायर आ रहा है आई डोंट थिंक ये दो बंदे यहाँ पे सर्वाइव कर सकते। एंड ऑलरेडी जो इनके Obito है वो कहने के थोड़ा सा अलग खेल रहे, लेकिन टीम का सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ओके डैमेज काफी अच्छी दे दी गई, रश मारने का परफेक्ट चांस है, नॉकआउट भी निकाल सकते काफी ज्यादा क्लोज। ओके ओके ओके
ऑल वाली एबिलिटी भी यूज करी गई, लेकिन नहीं 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 चांसेस काफी कम लग रहे हैं, शायद से एलिमिनेट करना मुश्किल है। ओके हेडशॉट वहां पे लग चुका, नॉक निकाल दिया जाएगा। अगर टीम के पास में कहीं ना कहीं कॉल गया होता तो शायद से एलिमिनेशन आ सकता। फिलहाल ओबी तो अगेन से यहाँ पे सोलो सर जोर से नजर आने वाले, बट क्या ओबी तो यहाँ पे खेल निकाल पाएंगे। एक कैरेक्टर स्किल वहां पे जोर से यूज करी गई है फिलहाल तो बहुत ही ओके नाइस शॉट, नॉकआउट निकाला जा सकता था लेकिन कहने के काफी ज्यादा क्लोज आते हुए 50% हेल्थ पे यहाँ पे जोर से छोड़ा गया टीएफसी एबीडी को। बाकी देखते हैं क्या यहाँ पे जो है सोने की टीम बुया लेके जा सकती है या फिर डीडब्ल्यू धर्म। वैसे मेरे को जहां तक लग रहा है डीडब्ल्यू की टीम बीएफए बेसिकली लेके जाने वाली बुया। बाकी वहां पे नंबर से ओके बहुत तगड़ा शॉट हाइड्रोजन को करा गया नॉक एंड फिलहाल प्रो सोलो सर्वाइव। ये एमएटू के शॉट्स यहाँ पे जोर से कनेक्ट करने वाले हैं, फिलहाल तो शॉर्ट रेंज में आ चुके बंदे, नो चांस की यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा लो हेल्थ है, एमएटू के शॉट बहुत ही इजीली करा जाएगा नॉक एंड सुपर मेडिकेट का यूज करके यहाँ पे जोर से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इनके पास में कहने की थोड़ी सी हीलिंग्स होती तो शायद से ये बंदे यहाँ पे जोर से सर्वाइव कर जाते, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब इससे ज्यादा कुछ होने वाला है। एंड फिलहाल ये टीम होती है यहाँ पे खत्म। एंड कहने की बात करी जाए तो 4-3 सिचुएशन यहाँ पे हो चुकी है क्रिएट ऑलरेडी। एंड फिलहाल बहुत ही तगड़ा शॉट स्टॉनर को करा जाएगा यहाँ पे नॉक एंड बचाने के कोई चांसेस नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे करा जाएगा इनको नॉकआउट। एंड कहीं ना कहीं बात करी जाए डीडब्ल्यू धर्म डुओ सर्वाइवल जीवन ओके देयर वी गो शॉर्ट रेंज में फाइट यहाँ पे एमएटूबी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से जरूर से हटना पड़ेगा। ओके ड्राइव शॉट क्या यहाँ पे शॉट लगने वाले, फिलहाल तो सामने की तरफ से चार के चार बंदे होने वाले हैं लेकिन टीएफसी एबीडी को वहां पे डैमेज पड़ा होगा। फिलहाल पीछे की तरफ से फाइट लेंगे सोनिक शॉर्ट रेंज में, बैल का शॉट शॉट मिस करते हुए जोर से नजर आएंगे। दाबी भी वहां पे जोर से शॉर्ट रेंज में फाइट ले रहे हैं बट एक बंदा 1-1 ओके बहुत तगड़ा शॉट, चार बंदे यहाँ पे हो चुके हैं लाइव एंड सोनिक की टीम बेसिकली बीएफए लेके जाती हुई यहाँ पे फिफ्थ मैच का बूया एज वेल। आगे चलिए गाइस बढ़ते किल पॉइंट्स की तरफ को। सोनिक चार एलिमिनेशन, टीएफसी एबीडी पांच एलिमिनेशन, साथ दाबी भी पांच एलिमिनेशन, सोल क्रूज भी चार एलिमिनेशन। बाकी चलिए सेकंड नंबर पर बात करी जाए तो डीडब्ल्यू की टीम होने वाला है बेसिकली बीएफए एक एलिमिनेशन। ओके बीएफए ही हो गई एलिमिनेट, सॉरी 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 गाइज टीएफसी लेके गई है बुया। बाकी देख लो किल पॉइंट्स एंड सेकंड नंबर पर होने वाले डीडब्ल्यू ऑब्वियसली वो टॉप लास्ट बंदे रह गए थे। बाकी धर्म एक एलिमिनेशन के साथ एंड जीवन चार एलिमिनेशन, बीएफएस स्टोनर तीन एलिमिनेशन के साथ मोटा बच्चा भी होने वाला। बाकी यूएनसी हाइड्रोजन तीन एक एलिमिनेशन के साथ एंड एआर अहान चार एलिमिनेशन एक एलिमिनेशन के साथ, स्कॉलर एंड पेशेंस प्रेसेंस क्या है भाई पेशेंस होता है वो जो भी है दो एलिमिनेशन के साथ। बाकी किल पॉइंट्स आप लोग पॉज करके देख सकते हो। चलिए बढ़ते लास्ट मैच की तरफ को। गाइस थोड़ा सा जल्दी अगर हो जाता तो अच्छा रहता। बाकी अगर होस्ट अगर तुम स्ट्रीम देख रहे हो तो भाई जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो, मेरे को दूसरे स्ट्रीम पे जाना प्लीज 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 आई एम बेगिंग यू। WWND आयुष भाई मेरे को पता है आप मजे ले रहे थे एंड हाँ मैं भी मजा ही ले रहा था, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं किसी से वो करने का कंट्रोवर्सी करने का एंड मेरे को अपना जॉब पे आ रहा है। अरे भाई क्या हुआ, पिच हुआ क्या, पिच नहीं हुआ, मैच स्टार्ट हो चुका नहीं हुआ, प्लेइंग चला गया एंड मैं रह गया हूँ। सो या मेरे को पहले आशु को बोल देने दो, डिस्कनेक्ट हो गया मैच प्लेइंग चला गया, मैं जा रहा हूँ गाइस नेक्स्ट स्ट्रीम पे दूसरे का स्ट्रीम है। I'm begging. चलो गाइस मैं जा रहा हूँ, लास्ट का मैच हो चुका था स्टार्ट बट मैं अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं हो पाया।
पहली बार तो नहीं, तीसरी बार हो चुका ये। सो या मिल देंगे नेक्स्ट मैच में कभी तो। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया है, देखेंगे कुछ तो कुछ कर पाए तो आगे। और हाँ आयुष भाई, मैं भी मज़े ले रहा था, मैं भी सीरियस नहीं था। सीरियस तुम भी मत लेना। एंड क्या बोलते थे, नो मर्सी को दिखाना। अरे भाई मैच ही नहीं कनेक्ट हो पाया, सॉरी उसके लिए। और हाँ 8 बजे दूसरा स्ट्रीम है, तो मैं कि अगर हुआ नसीब में हुआ कि नेक्स्ट स्ट्रीम हुआ इधर, मतलब ये तो ग्रैंड फाइनल है, अब तो कुछ नया कुछ और आएगा मैचेस, तो वो इस वही में मिल पाएंगे। अगर टाइम मिला तो आ जाएंगे, ट्राई करेंगे। चैट खाली दिख रही थी, हाँ चैट खाली अच्छा नहीं लगता। तो या थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आयुष, ऑल ऑफ यू गाइस, अच्छा लगा तुम लोग के साथ। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोग से नेक्स्ट स्ट्रीम में, तब के लिए बाय बाय।